हेलो 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 हेलो। हाँ नमस्कार दोस्तों, सीखने की दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करूँगा मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आ रही होगी, और क्लियर अगर नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट करके आप बता देना। आवाज़ को थोड़ा सा और भी सुधारा जा सकता है। मैं कल बात कर रहा था एवरेज की, और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था ताकि हर विद्यार्थी समझ सके, और शुरू की दो तीन क्लासें तो ऐसी रहेगी जिसमें आपको पहले से इनका नॉलेज है, पहले से आता है क्योंकि बेसिक है, और बेसिक जब मजबूत होगा तो फिर आगे के जो भी कितने भी कठिन क्वेश्चन हैं वो सभी समझ में आएंगे। हाँ चेल्सी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। अंकुर सैनी गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप तुरंत लिख दिया करो, सर नहीं आया समझ में, है ना, ताकि अपन को पता लग जाए। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है जो वो चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, मैथ जहाँ पे भी आती है तो एवरेज का एक क्वेश्चन मांगता है, जिसे हम दोस्तों वहाँ भी पढ़ते हैं, रेलगाड़ी समय दूरी चाल वगैरह की जो चैप्टर है ना वहाँ भी पढ़ते हैं। हाँ सभी सभी प्रिय विद्यार्थियों को बहुत गुड मॉर्निंग, एक ही बार में सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, रामकेश को, लोकेश को, है ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है वो, और वो वापस आता है ना जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता हो, अगर वो 60 की स्पीड से जाता हो और 40 की स्पीड से आता हो तो इसका मतलब वो आपसे कहेगा कि इसके अंदर ये बताओ एवरेज चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल पूछिए ना, आप जो भी विद्यार्थी जो इस किताब से पहले पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि भाई पहले मेरी ये किताब पूरी हो जाए, 4 महीने के अंदर पूरी किताब पढ़ा देंगे जिसमें आपको पता है औसत में औसत तक आ चुका हूँ, इसके बाद में जैसे ही ये किताब पूरी हो जाएगी तो हम जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि हम पूरे 1 साल तक इस बैच के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 है जिसकी मैंने संख्या बदल दी, क्योंकि आप किताब के अंदर जो क्वेश्चन है जिसे आप करना, मैंने नॉर्मल संख्या ले ली आपको समझाने के लिए ताकि सभी को पूरे गांव को एक बार में समझ में आ जाए। क्या बोलता है कि राम यानी कोई भी आदमी अपने स्थान पर 60 की स्पीड से जाता है और वापस आता है 40 की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए अपन को एक फॉर्मूला है जो आपको पता है, 2xy/x, है ना फॉर्मूला, 2xy/x। तो 2 का मतलब तो 2 ही होता है, x का मतलब जाने की चाल और y का मतलब आने की चाल, और अपन क्या करेंगे x+y को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएंगे। कूटा काटे करेंगे, 6 चौका 24 और 24 दूनी कितना होते हैं दोस्तों 48, तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो कितना, हाँ नमस्कार सीताराम, बहुत प्यार भरा नमस्कार, है ना, बुरा नहीं माने, थोड़ा सा समय कम रहता है। हाँ अभी क्या मेरे जस्ट बाद में योगेंद्र जी आ रहे हैं तो उनका कॉल आया था कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो आ रहे हैं तो फिर क्या करें, इसलिए मैं पहले क्लास ले जाऊँ, क्योंकि दिन में बिजी चल रहा हूँ अभी मैं बहुत ज़्यादा। हाँ फिर आओ दोस्तों ध्यान दे, अब ये क्वेश्चन है ठीक है। अब अपन को जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, अपन को कर लिया, अपन को आ गया, और आपके दिल और दिमाग में ये भी आया ये तो हमें पहले ही आता है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये आपको पहले ही आता है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर दोबारा से एसएससी ने पूछा ना, रेलवे ने पूछा तो आपको नहीं आएगा। अब आपको लगता है सर ऐसा कैसे, जब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है यही क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा, कारण बताओ सर अभी क्यों, क्योंकि उस कारण को पहचानेंगे तभी तो कुछ हम बन पाएंगे। तो सुनो इसमें दोस्तों, अब मैं इसकी अगर इसको मैं खोलने लग जाऊं कि देखो ये आपने पढ़ लिया और फिर भी आपकी बस की बात नहीं हल करने की, तो हमारा समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा आपको हिंट देता हूँ, और हिंट यानी एक क्वेश्चन दूँगा जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ सर क्या कहना चाहते हैं, हमको किस जगह ले जाना चाहते हैं और हम किस जगह पे गलती कर देते हैं। तो देखिएगा एक मिनट फटाक से बताता हूँ, हाँ
हाँ, जैसे कि दोस्तों इसी क्वेश्चन को देखो, उसने कैसे पूछा था। उसने पूछा एग्जामिनर ने अगली बार, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में 5 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ऐसे पूछा। अब ये जैसे ही क्वेश्चन पूछा ना, तो आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा कि ये वही क्वेश्चन है 2xy + x + y वाला, और आप सोचोगे या तो टाइम एंड वर्क का है, समय दूरी का, समय चाल का, आप वहाँ परेशान हो जाते हो। अब दोस्तों जैसे ये दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला इसको हम हल कर लेते हैं, तो अपन को ये पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो एक बेसिक है, ये तो ज़िंदगी में नहीं पूछा जाएगा, किसी ज़माने में पूछा जाता था। अब इस क्वेश्चन में कितनी तोड़ मरोड़ करने लग गए इसका हमें होश होना चाहिए। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब इसमें और भी दोस्तों बहुत तगड़े वाले नाव धारा में भी इस क्वेश्चन को डाल देता है, तो धीरे धीरे हम आपको सिखाते जाएंगे, लेकिन फिलहाल है ना इस इतना समझ लो। अब देखो मैं अब इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा ना, कल भी कहा था, कोई भी एक क्वेश्चन है उसको अपन एक ही बार उसी क्वेश्चन को 2 घंटे पढ़ा सकते हैं। 2 घंटे का मतलब इसकी संख्या बदल के ना ये किस किस तरीके से पूछा गया है, मतलब ये अगले साल ऐसा नहीं आएगा कोई अलग ही नाम लेके आएगा, जब तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को पूछा भी गया। तो ये बात महत्वपूर्ण है, तो मैं अभी तो यहाँ पे इसको छेड़ूंगा नहीं, रेलगाड़ी वगैरह समय चाल पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ के चलो ये नियम जब ही लगता है जब जाने की दूरी और आने की दूरी समान हो। मेरा कहने का मतलब दोस्तों जैसे 10 किलोमीटर जाना हो और 10 किलोमीटर आना तभी ये सूत्र लगेगा। अब ये बात बताते हैं आपके दिमाग में आएगी ये क्या टंटा हो गया, अगर सर 10 किलोमीटर जाना होता है 20 किलोमीटर आना होता जब क्या करते, तो उसी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा समय दूरी और चाल का, है ना। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अगर ये आपसे ये बोल देता ना कि वो उसको जाने में आने में 5 घंटे लगे, तो दूरी कितनी है, तो फिर अपन को कहते भाई 48 की स्पीड पड़ेगी एक तरीके से एवरेज, और जाने आने में 5 घंटे लगे, तो इसको गुणा कर देंगे 240 यानी कि 240 किलोमीटर दूरी है वो। अब वो कहते सिर्फ जाने जाने की बताओ, तो इसकी आधी कर दो 120, मैंने 48 × 5 मैंने क्या बोला जाने आने में 5 घंटे लगे, तो फिर जाने आने की दूरी 240 है। ऐसी बातें करता है दोस्तों, दूरी पूछ लेता है, इनमें हलचल करता रहता है, और बिल्कुल ज़िंदगी में ये मत सोचना कि यार कुछ नया होने वाला है, कुछ कठिन कुछ नहीं इस दुनिया में। देखो अगला क्वेश्चन के 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात करा, बहुत बड़ा बोर्ड हो गया। मैं जब सवाल लिखता हूँ जब तक तुम खूब आराम से सवाल को पढ़ लो और आंसर दे दिया करो, क्योंकि मेरे पास में अभी तक ये जो क्वेश्चन लिखा आ जाता है ना तो वो और बढ़िया बात थी, लेकिन इसमें ये भी फायदा मिलता है कि सवाल आप आराम से पढ़ सकते हो। बाद में पता चला कि 48 की जगह 23 ले लिया गया, तो शुद्ध औसत क्या था। बाद में पता चला कि एक संख्या अड़तालीस की जगह 23 ले ली गई, एक संख्या 23 ले ली गई, तो बताइए शुद्ध औसत क्या था। तो बताओ शुद्ध औसत क्या था। अब प्रिय भाई बहनों बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपने लिखा ना, ये दिमाग से निकाल देना कि आप कौन सा सवाल पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कोई मैंने कल भी कहा था कि आप कोई सी भी किताब का क्वेश्चन पढ़ेंगे उस किताब में से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सवाल खुद बनाएगा, और बनाए हुए सवाल आपसे कब आ जाएंगे तब आप उसको पहचान गए हो। मैंने तो कल भी आपसे कहा था इस औसत में 2-3 सवाल है पूरे। अब दोस्तों देखो मैं सवाल को पढ़ता हूँ क्या है एक नाव में 50 यात्री सवारी कर रहे हैं जिनका औसत एवरेज 36 किलो है, उसमें से एक सदस्य उठकर चल गया 48 किलो का उसकी जगह, दूसरा सदस्य 23 किलो का आकर उस नाव में बैठ गया, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर
बेवकूफ़ लोगों की तरह आप क्या करते हैं, आगे भाई ट्रिक, वो जाने वाले की ट्रिक ये है, आने वाले की ट्रिक ये है, पढ़ते रहो जिंदगी भर ट्रिक, कभी कोई ट्रिक नहीं पढ़नी। और नॉर्मल प्रश्नावली में भी क्या आप ट्रिक पढ़ने वाले हो, तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा सवाल चेंज किया, ये लो भाई ट्रिक, इस सवाल के लिए ये लो ट्रिक। अरे पूरे सवालों के लिए कोई ट्रिक ही नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो बात को। दोस्तों इसमें इतना लिखा है 50 संख्याओं को 36 है, तो सबसे पहले तो 36 लिख लिया लो मैंने। अब ये कहते हैं एक बच्चे के 48 नंबर दे दिए हमने, एक संख्या 48 की 23 ले ली गई। दोस्तों एक बच्चे के 48 नंबर आए थे, लेकिन तुमने गलती से उसको 23 नंबर दे दिए। अब 23 नंबर आपने जैसे दिए तो बच्चे ने रीचेकिंग का फॉर्म लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने नंबर कम कैसे आ सकते हैं। तो रीचेकिंग में दोस्तों उसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे अपन को। तो बच्चे के अपन ने तो 23 नंबर दे दिए थे ना, लेकिन रीचेकिंग करवा ली उसने कॉपी, नंबर तो उसके 48 आए थे, अपन ने गलती से क्या दे दिए 23। तो सुधारो, सुधार कितने की होगी, 5 और 2, 25 की सुधार है। तो 25 नंबर बढ़ेंगे उस लड़के के तो 25 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी जो क्लास है ना दोस्तों, उस लड़के के 25 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे कितने, 50। तो मतलब 25 नंबर उस बच्चे के बढ़ेंगे, तो 50 बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। यूँ सोचो, मेरे पास में 25 रुपए हैं और 50 बच्चों को बांटूंगा तो कितने कितने आ जाएंगे। अब 25 रुपए हैं और 50 बच्चों को बांटूंगा तो कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 0.50, तो 36 इसमें भाग देंगे तो 58 आ जाएगी ना, तो आंसर आएगा 36.50। अब यही हमारे सवाल का आंसर है। दोस्तों मैं सवाल क्या बोल रहा था, एक नाव में 50 यात्री सवारी कर रहे थे, उनका एवरेज 36 किलो था। यदि उस नाव में एक 48 किलो का यात्री आके बैठ गया, उसकी जगह 23 किलो का आदमी उठ के चल गया, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, 0.5 की वृद्धि हो गई। वो बहुत गजब तरीके से पूछेगा आपको, ये दिमाग से निकाल देना आप क्या पढ़ रहे हो। इसमें सवाल बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5वां इसने पूछा। इसी किस्म का अपन 5 तरीके से पूछ सकता है, और पूछता है ना, और जैसे ही 5 तरीके से पूछता है, आप लोगों को लगता है अब की बार तो पेपर में लगाया था, बैठे रहो तुम आराम से, यहाँ पे लगा देगा। वो कहता है एक्स संख्याओं का औसत 36 था, बाद में पता चला कि 48 का 23 ले लिया, इस कारण एवरेज में 0.50 की वृद्धि हो गई, इस कारण औसत में 0.50 की वृद्धि हो गई। पढ़ते रहना आप खूब सारी किताबें, 5 किताबें पढ़ लेना 100% फेल होना हो तो। अगर एक ही किताब को 5 बार पढ़ लिया, एक ही सवाल को 5 तरीके से पढ़ लिया, तो 100% सिलेक्शन ले जाओगे। और आप पढ़ते रहना किताबें तो बहुत बना रहे हैं लोग, 0.50 की वृद्धि हो गई। तो पहले संख्या क्या थी, या x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, ये लो आप बोर्ड पे ध्यान देते रहो, फिर कल को यहाँ 50 ये खुद बता देगा, और यहाँ बता देगा, यहाँ पे लगा देगा आपको x, फिर बोलेगा बताओ क्या था यहाँ पे। सवाल को तो चेंज भी करेगा, संख्या बदल देगा, 48 को मिटा देगा यहाँ पे, फिर बोल देगा बताओ यहाँ क्या था। आपसे जैसे ही अगला क्वेश्चन डालेंगे ना, आपको फिर कहोगे ऐसा तो नहीं पढ़ाया, ऐसा तो नहीं पढ़ा। तो घर बैठ के काम क्या करो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, सीधी सट गणित है। अब मैंने आपसे इसीलिए कहा था एक ही क्वेश्चन पे एक घंटा पढ़ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छुपे होते हैं। हाँ भाई नमस्कार। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल है और कुछ सफ़ेद है। एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल है और कुछ सफ़ेद है। हाँ भाई राजेश, पूजा, गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 10 गेंद है, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें से कुछ लाल है और कुछ सफ़ेद है। देखिएगा ये कहता है कि एक थैला है जिसमें कुल 10 गेंद है और कुछ तो लाल है
और कुछ कितनी है सफेद। हाँ, अब ये कहता है कि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है, सभी का मूल्य 28 रुपये है, औसत मूल्य 28 रुपये, सभी का औसत। उसके बाद ये आपसे कहता है कि यदि आप लाल खरीदते हैं तो 25 है, लाल गेंद का औसत क्या आता है 25 रुपया। और फिर ये आपसे कहता है कि यदि सफ़ेद गेंद आप खरीदते हो तो उनकी रेट है 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो नहीं मतलब 30 रुपये के भाव से वो गेंद आ जाएगी। तो हमको ये बताना है सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है, तो हमको ये बताना है सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है, सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है। हाँ, मैं क्वेश्चन एक बार वापस बोल देता हूँ। अच्छा, सवाल एक बार वापस बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक थैला है जिसके अंदर 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद है। अब दोस्तों ये कहता है कि एक थैला है जिसमें कुछ लाल गेंद है, कुछ सफ़ेद गेंद है। अगर आप थोक के भाव खरीदते हो कि भाई लाल आए सफ़ेद आए, जब तो 28 रुपये की एक गेंद पड़ेगी, और अगर लाल लाल खरीदते हो तो 25 की पड़ेगी, और सफ़ेद सफ़ेद खरीदते हो तो 30 की पड़ेगी। तो कहता है सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है, तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो लाल गेंद की रेट कितनी बताइए 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, और सफ़ेद की रेट इसने खुद ने बताइए 30। और दोस्तों ये 28 किसकी गेंद है, ये सभी का मिक्सर है, और ध्यान रखें मिश्रण हमेशा अगल बगल में नहीं बीचों बीच में आता है, तो 30 और 25 के बीच में आएगा ये मिश्रण 28। अब हम क्या करेंगे, 30 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और इधर से ये घटाएंगे तो दोस्तों यह क्या आ जाएगा 3। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर लाल गेंद 2 है तो सफ़ेद गेंद 3 है। क्या बोला मैंने, अगर गेंद लाल वाली गेंद 2 है ना तो सफ़ेद वाली 3 है। तो इसके हिसाब से तो 2 और 3 टोटल गेंद कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 टोटल गेंद हो गई 5। आपको लगता है कि टोटल 5 गेंद है, जबकि एग्जामिनर ने साफ साफ कहा कि टोटल तो 10 गेंद है। हमारे मन की बात और एग्जामिनर की बात आमने और सामने, 5 बराबर 10 तो 1 बराबर हो गया 2। जब 1 यूनिट का मान 2 है, अब दोस्तों ये आपसे कहता है लाल गेंद कितनी है, तो 2 को गुणा 2 से करवा दो। अगर ये सफ़ेद के लिए पूछे तो 2 को गुणा 3 से करवा दो, लेकिन इसने सफ़ेद की पूछी है तो हम 2 को गुणा किससे करेंगे 3 से, और 2 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 6 गेंद। दिखाई दे रहा है ना उधर, हाँ। हाँ जी, हेलो सर, खाना लो, खाना खा लो, खाना खाएंगे बिल्कुल। अब दोस्तों जैसे ये अपन जिस सवाल को मिटा रहे हैं ना, हाँ ये मिट गया सवाल। अब आपको क्या लगता है कि आप औसत पढ़ रहे हो, अरे भाई ये औसत नहीं, अब इसको दुनिया मिश्रण में फेंकेगी उठा के। आपको जैसे 28, 25 और 30 था ना, तो वो बोलेगा कुछ चावल 30, कुछ चावल 28 रुपये, कुछ चावल 25 वाले हैं, कुछ चावल 30 रुपये वाले हैं, लेकिन इनका मिक्सर है 25 रुपये किलो। तो बताइए सस्ते वाले चावल और महंगे वाले चावल का अनुपात क्या था, तो वही आंसर था 2:3। इसको परसेंटेज में भी डाल सकते हैं कि बताओ सस्ते वाले चावल का परसेंटेज क्या था, तो 2/5 गुणा 100 कर देंगे, महंगे वाले का 3/5 गुणा 100 कर देंगे। तो ये जो दोस्तों चीज़ होती है ना, ये टीचर क्या डेली पढ़ाते रहते हैं, तो अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस इज परफेक्टनेस, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, वो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मस्त मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का 34, मंगलवार से बृहस्पतिवार, यानी कि मंगल हो गया, और मंगल के बाद में क्या आता है भाई, बुध आता है शायद, हाँ, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। और इसका बताया दोस्तों औसत 34 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, मोस्ट की दुनिया में नाम नहीं इसका, वेरी मोस्ट की दुनिया में नाम है। अब दोस्तों कहानी ये भी है, शेयर वेयर क्या करो यार क्लास में, देखो आपकी क्लास अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हो, और आप इतने आपको अगर ये चाहते हो मैं लाइक शेयर भी नहीं करूँ, तो हमसे उम्मीद मत करना, फिर आप खुद ही सोचो कि आप कैसे इंसान हो। और जो लोग कर देते हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो नहीं करते बहुत बेकार इंसान है।
हाँ चलो दोस्तों देखो हम आगे बढ़ते हैं। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का बृहस्पति यानी गुरुवार, यदि गुरुवार का तापमान बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ही होता है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का सोमवार के तापमान का, इस क्वेश्चन को आप सीख लेना क्योंकि ये काम का सवाल है, 4/5 है। हाँ इस क्वेश्चन को सीखना जरूरी होगा आपके लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? अभी फिलहाल पढ़ने के लिए टाइम नहीं लोगों के पास दोस्तों। हाँ कई लोगों के लिए क्या मोबाइल में पढ़ने का टाइम नहीं होता है, बाद में 4-5 साल बाद में उनसे पूछ लेना कि अब उनके पास ज़िंदगी का टाइम हो जाएगा। हाँ जब पता लग जाएगा लोगों को कि उस वक्त कुछ क्या किया था, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास तो पढ़ने से भी, पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और महत्वपूर्ण काम है, तो वो भुगतेंगे जो ऐसा पढ़ेंगे नहीं। नहीं फिलहाल ये टाइम आपने निकाल दिया ना दोस्तों, अब मैं तो आपसे अगर कहूँ कि आप पढ़ा करो ठीक है आप मानेंगे, लेकिन मैं क्यों कहूँ आप ये भी तो सोचो, क्योंकि इसमें अगर मैं कहता हूँ तो आपको खुद को नहीं लगता है क्या? आप सोचिए कि आप पढ़ रहे हो, आपके इस समय से कौन सा काम आ गया जो आप मोबाइल नहीं देख करके और लूडो खेल रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं? क्योंकि आप फिर आप कभी ज़िंदगी में ये मत कहना कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन मैं नौकरी नहीं लगा। आपके पास सभी चीज़ें सभी प्रकार की बुलाई थी, आपने उस समय 6 क्यों नहीं लगाया? उस समय तो आप तमाशे कर रहे थे, तो फिर 3-4 साल बाद में, 5 साल बाद में भुगत लेना लोगों के ताने सुनते रहना। तो दोस्तों आओ, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार बुधवार और गुरुवार का 34 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ 37 है या 34 है, तो यहाँ 37 से 34 कितना कम पड़ा पहले तो मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे सर 3 कम पड़ा, 3 कम नहीं पड़ा दोस्तों, 9 कम पड़ गया। ये कितना कम पड़ गया? 9। सर 9 कहाँ से? 37 से 34 3 कम है ना, लेकिन 3 कम में तो देखो ये 3 3 3 ये एवरेज तापमान है, मतलब इन सभी पे फर्क पड़ेगा। तो 3 आदमी हैं यहाँ पे, तो 3 3 3 3 9 कम पड़ेगा। तो 9 कम पड़ेगा तो इसका मतलब मैं इस बात को समझ गया हूँ। देखिए दोस्तों इसमें मंगल और बुधवार तो इसमें भी है, और मंगलवार और बुधवार तो इसमें भी है, तो एक बार मैं पूरी तरीके से हल कर देता हूँ फिर डायरेक्ट बता दूंगा। 37 को औसत तापमान है, 3 आदमी 37 को गुणा किससे करेंगे? 3 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 111। और 34 को भी गुणा 3 से करेंगे क्योंकि ये भी 3 है, तो 34 गुणा 3 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 102। अब तुम ऐसे सोचो कि मान लीजिए एक नाव है जिसमें 3 दोस्त बैठे हुए हैं सोमवार मंगलवार बुधवार, और उनमें कितना वजन है? 111 किलो। अब मान लीजिए दोस्तों आगे जा करके इसमें से क्या किया, सोमवार तो उतर गया और तुमने गुरुवार को बिठा लिया, और अब उस नाव में वजन कितना हो गया? 102 किलो। तो आपने देखा कि यार मंगलवार बुधवार तो पहले भी बैठे थे, ये भाई तो अब भी बैठे हैं, लेकिन सोमवार को तुमने उतार दिया और गुरुवार को तुमने बिठा लिया, इसलिए 102 किलो वजन हो गया। तो वजन कम पड़ गया ना, आपको पता लग गया कि वजन 111 - 102 यानी 9 किलो वजन कम पड़ गया। अब ये 9 किलो का अंतर किस में आया? ये दोनों तो पहले ही थे, इसका मतलब सोमवार में और गुरुवार में 9 का अंतर है। यहाँ से आपको मालूम चल गया कि सोमवार और गुरुवार में 9 का अंतर है। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि 9 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब भी का आता है का का का, और का मतलब हमेशा का होता है नीचे, इसी प्रश्नावली में, दुनिया के हर प्रश्नावली में ये नियम लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ 4/5 दिया गया है ना, इसका मतलब है एक चीज़ तो 4 को बता रहा है, एक चीज़ 5 को बता रहा है। तो प्रिय दोस्तों यहाँ है सोमवार के तापमान का मतलब नीचे, इसका मतलब सोमवार का तो 5 है, तो फिर गुरुवार का क्या हो जाएगा? 4। तो दोस्तों यहाँ से मुझे पता लगा कि गुरुवार का 4 है, सोमवार का 5 है। अगर गुरुवार का 4 है, सोमवार का 5 है, तो गुरुवार और सोमवार में कितने का अंतर? यहाँ इसके हिसाब से तो 1 का अंतर है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पे 1 का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से कितने का अंतर बताया था? इन दोनों में 9 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान है 9। तो दोस्तों इस 9 को 4 से गुणा करा देंगे तो गुरुवार का तापमान आ जाएगा, और 9 को 5 से गुणा करा देंगे तो सोमवार का तापमान आ जाएगा। ये आपसे गुरुवार का पूछ रहे हैं ना, तो गुरुवार का आंकड़ा क्या है? 4। जब 1 यूनिट का मान 9 है तो 4 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों? 36। तो इतनी सी इतना सा कि सवाल आपको हल करना था, ये इसका आंसर आ गया है। हाँ क्या आपको समझ में आया, यस या नो?
सिंगर विजय दरोलियाना सवाई माधोपुर नो। चिंता मत कर, अभी वापस बताओ 100%। सभी विद्यार्थी यस लिख रहे हैं, और ये सिंगर उलियाना से जो नो बोल रहा है ना, इसको मैं फटाक से समझा देता हूँ, एक 20 सेकंड से पहले बता दूंगा। देखो भाई, इनका तीनों का औसत तापमान 37 था, तो तीन आदमी है, तो इसलिए मैंने तीन से गुणा किया तो 111 हो गया, है ना। अब ये 34 एवरेज है, और इनका क्या है, तीन आदमी है ये, तो 34 × 3 = 102, इसका मतलब है इसमें 111 था, इसमें 102, तो कितना कम पड़ गया, 9 कम पड़ गया। तो अब अपन को पता कि मंगलवार बुधवार तो दोनों जगह, तो सोमवार और गुरुवार की वजह से ही ये 9 कम पड़ा, इसका मतलब है सोमवार और गुरुवार में 9 का अंतर है। अब यहाँ पे आप देखो, सोमवार गुरुवार में कितने का अंतर है, यहाँ पे मतलब है एक चीज़ तो 4 के लिए आया और एक चीज़ 5 के लिए आया है, तो यहाँ से आगे देख लो किसका नाम है सोमवार, तो इसका मतलब है सोमवार का मतलब तो 5 है और गुरुवार का मतलब है 4। तो यहाँ पे खुद सोच, उलियाना से बच्चा बोल रहा है उसको ही बोल रहा हूँ कि सोमवार का 5 है और गुरुवार का 4 है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, जबकि हकीकत में यहाँ पे तो अंतर कितने का रहा है, 9 का। तो हमारे मन की बात और एग्जामिनर की बात आमने और सामने, 1 = 9, जब 1 मिनट का मान 9 होता है ना, अब 9 को 4 से गुणा कराएंगे तो देख गुरुवार का जाएगा, और 9 को 5 से गुणा कराएंगे तो देख किसका जाएगा, सोमवार का, राइट। अब दोस्त, अगर हमें अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो ये मैं यही तो सोचता हूँ ना कि इसमें इस वक्त आपको पढ़ाते समय आपके लेवल से अगर बिल्कुल बेसिक से और भी अच्छे से अगर बताना चाहें तो जिनको ऑलरेडी आता है वो उंगली करेंगे, और पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल से पढ़ेंगे तो जिनको नहीं आता वो उंगली करेंगे, मतलब उंगली तो करेंगे, तो ये थोड़ा सा टंटा रहता है, इसीलिए अलग अलग बेस बनाने पड़ते हैं। हाँ, जस्ट 1-2 मिनट के अंदर ही आपके सामने नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं, जिनका नाम है योगिंदर सर, और वो लेके आ रहे हैं आपके सामने आज कंकाल तंत्र। ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो कंकाल पता है आपको क्या हो जाएगा। हाँ, और कुछ ही जस्ट थोड़ी देर में ही आ रहे हैं दोस्तों, तो एक बार शेयर कर दो ताकि सर जैसे आपको पढ़ाने आते हैं तो काफ़ी लोग देखेंगे तो उनको आनंद आएगा पढ़ाने का, तो ज़्यादा देर पढ़ेंगे। तो मेरी क्लास तो आज इतनी रहेगी, अब मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ, सर के सर आ रहे हैं। हाँ भाई सुनील, यस आप बताइए, आपको मैथ्स के अंदर कैसा फील हो रहा है वहाँ बैठ कर के आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो? लेकिन एक सूचना है, जो सर आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ, मेरे लिए सूचना यह है कि अगर आपने इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजधानी ज्वाइन करो, आप कहीं पर भी अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी तो भुगतने के लिए तैयार रहना, ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पे भी रूम ले रखा है तो उसको खाली वाली करके घर चले जाना। हाँ, अगर आपके घर पे ऐसी सुविधा नहीं है, लाइट नहीं आती या बहुत बच्चे बच्चे घूमते हैं, या आपको पता है कि डिस्टर्बेंस होता है कि यार मेरी घर पे पढ़ाई नहीं हो सर, कि मैं 8-10 घंटे रूम पे पढ़ाई नहीं कर सकता घर पे, तो उस कंडीशन में आप रूम ले लो, सस्ता सस्ता, महंगा रूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब दे दिया किराया, अब मत दो। मैंने तो देखो पहले भी कहा था कि मेरा एक सपना है कि पूरी दुनिया को ही खाली करवा दे, और वो हो गया। मैं खुद ये चाहता था कि यार ये इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं यहाँ पे, सब जगह पढ़ने जाते हैं बैग लेके, और रूम को किराया दे रहे, हर महीना दे रहे हैं उनको तनख्वाह, ले भाई 4,000 5,000, ये लाइट का बिल है, अरे पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर पे नहीं पढ़ सकते हो तुम, अब क्यों आते हो भैया आप लोग यहाँ पे? बोला साहब पढ़ाई के लिए, गाँव में कोई मास्टर नहीं है। जैसे मैं ऑनलाइन लेके आया तो मेरे दिल में ये चीज़ आई थी कि यार अगर ऑनलाइन लेके आते हैं, मैं इनको समझाया था कि ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन मेरी बात को नहीं माने कोई भी, ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती क्या? मैं गारंटी देता हूँ 2 साल बाद में ना, वो जो ये बोलते हैं ना ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती क्या, वो ऑनलाइन कोर्स खुद खरीद के पढ़ेंगे, लेकिन उनकी नौकरी फिर भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जब सोचेंगे ना, जब तक तो ऑनलाइन तो खरीद के पढ़ लिए लोग, फिर बैठा रहा आराम से, फिर उसकी उम्र निकल जाएगी। सरकार हमारी बहुत अच्छी है जो तुरंत 3 साल जगह निकालती है, हमारी सरकार कितनी अच्छी सरकार है देखो, 6 महीने में वैकेंसी निकाल देती है, इसलिए आप नौकरी लग जाओगे। तो इसीलिए बात को समझो, इतनी अच्छी सरकार का साथ दें आप, जो 6 महीने में वैकेंसी निकालती है, टाइम से टाइम वैकेंसी निकालती है, टाइम से टाइम फॉर्म भरवाती है, और गरीबों का बहुत ध्यान रखती है। तो इसीलिए दोस्तों आप भी ऐसी सरकार के साथ हो, और इस प्रकार के हमारे प्यारे देश में हो, प्यारे नेताओं के साथ हो, तो बड़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, 1-2 साल में कर लेना, क्या दिक्कत है तैयारी में,
अपन भाई 5 साल बाद भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि हर 6 महीने में वैकेंसी आ जाती है, तो इस बार नहीं लगे तो अगली बार लग लेंगे, इस बार नहीं लगे तो अगली बार लग लेंगे। तो जरूरी भी नहीं है कि हम अभी से ही कोर्स खरीदें और अभी का अभी पढ़ाई करें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले अपन घर के काम कर लो, जब वहाँ से अपन फ्री व्री हो जाते हैं तो 6 महीने बाद पढ़ लो, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती है ना, आपकी वैकेंसी तो आती रहती है और आपकी तैयारी धीरे धीरे हो जाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है और वो समझ जाते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है ना उनको आप कितना भी बढ़िया बोलोगे ना, सही दिशा दोगे तो भी वो गलत दिशा में जाएंगे। तो मैं तो उम्मीद 10 में से 9 की नहीं करता हूँ, 10 में से 1 की उम्मीद करता हूँ। अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने लग जाना, आज नहीं तो आगे भी पछताओगे दोस्तों। ये गरीबी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो निकलो इस यूट्यूब की दुनिया में। आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा सारे दिन टीचर, यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है जिसका भी यूट्यूब चैनल है, आजकल तो सारे दिन ही अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं कि हम ऐसे, और बोलते हैं कि हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो ये एक चीज़ होती है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा आपका खुद के पास में खुद का ब्रेन है, 10 जगह 10 वीडियो को देखो, उसके बाद में आपका ये दिल कहे ना कि मुझे सबसे बेस्ट यहाँ से लगा, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर मैंने क्या कहा कि एक ही किताब को 10 किताब मत पढ़ो, इस एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। अभी मैंने क्या बोला, एक सवाल ही 5 तरीके से पूछा जाएगा, उसमें 5 जगह संख्या उसको घुमाएगा वो यार। तो इन चीज़ों को समझो, हकीकत पे जानो दोस्तों, वरना तो इस दुनिया में आपको पता है लोग आकर के बड़े बड़े स्क्रीन पे ऐसे बोलते हैं, दाने दाने में केसर कदम बिमल पान मसाला। आपने देखा कि उसमें दाने दाने में केसर कदम होता है? जब अजय देवगन इतनी आकर के झूठ बोलता है, मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों करते हो, बोला ये तो ऐड है। तो इस दुनिया में यूट्यूब पे पब्लिक ऐड करने आती है, रियल शो आपको कोई नहीं दिखाएगा, हकीकत कोई नहीं दिखाएगा, सब अपने तरीके से अपनी भाषा से अपने माल को बेचने आते हैं। मैं भी हो सकता हूँ, तो आप अपने आप को पहचाने, लोगों को पहचाने, आप बड़े हो चुके हो। आप ये मत सोचना कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो बाद में सोचूंगा, आप सक्सेस जो एक सक्सेस प्राणी हो। हाँ, लोग तो सिर्फ आपको कहते हैं आपको ये नहीं आता, आपको इतना पढ़ना, इतना कठिन पढ़ना पड़ेगा तब नौकरी लगेगी, तो आपको लगता है यार भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता, मुझे तो फीस देने की ज़रूरत है। शायद 2 बार 3 बार कोचिंग पढ़ लिए, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, और फीस दें तो ऑनलाइन में, तो ये भी इस समय मौका उठाओ आप, ऑनलाइन बिल्कुल सस्ता मार्केट है, 1500 में लोग पढ़ा देते हैं, पढ़ो ना यार। 1500 तो मैं पैसे के कोई मायने नहीं रखता, आप कई लोग तो गुटखा खाते रहते हैं, अरे यार थोड़ा बुद्धि लगाओ, इस जिंदगी में अपन आए हैं तो कम से कम ऐसा जीवन जी के जाओ जो शरीर में पसीने नहीं आए, नहीं तो आप देख लेना इतनी गरीबी और भुखमरी हमारे इस प्यारे भारत देश में आ रही है, और इसका आने का कारण आप लोग, नेताओं की कोई गलती नहीं है, नेताओं क्या गलती, वो तो हर 6 महीने में वैकेंस निकालते हैं आपके लिए, हर साल भर में हर वैकेंस निकालते हैं, आप क्यों नहीं लगते हो नौकरी, तो इतने बढ़िया नेता है। तो इतना ही कहूँगा, आओ सर आप आ जाइए, योगेंद्र जी सर का स्वागत है। हाँ जी, नहीं चलने दो ना, लाइव क्या दिक्कत है, बिल्कुल आप तो ऐसे कैसे, अच्छा वो तो मैं हटाना पड़ेगा उधर से, तो मोबाइल से तो वो बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाओ, मोबाइल से तो उसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, वहाँ पर लाइव नहीं आएगा, लाइव तो इसी में आएगा वो, आप आ जाओ और जैसे आप क्लास होगी मुझे आप इन डायरेक्शन दे देना, जब से मैं रिकॉर्ड चालू कर दूँगा, है ना, आप जो बोलोगे, कुछ नहीं है, हकीकत पे जीवो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो है वो यही है, इसीलिए मैं कहता हूँ राजधानी एरियल शो, और मैं खुद है ना आपका सहयोग इस प्रकार मांगना चाहता हूँ दोस्तों, इस दुनिया में पूरी दुनिया करके इस यूट्यूब चैनल पे, मतलब वो कहते हैं ना, मैंने अभी क्या बोला कि दाने दाने में केसर कदम, ये हो गया कंपनी वाले, तो ये मास्टर आजकल दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे मास्टर को उतारते हैं जो ब्रांडेड कंपनी का प्रचार करना जानता है, कि भाई सबसे बढ़िया कौन फेंक सकता है, कि भाई मैं आ जा, उसी को दे देते हैं ठेका। जैसे आपने देखा ना बीजेपी में संबित पात्रा है, कितना बढ़िया आदमी बेचारा, उसको आप कुछ बोल दो उसके कोई टेंशन नहीं होती, बहुत बढ़िया बोलता है। कांग्रेस में देख लो आप, ऐसे 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 बढ़िया छठे छठाई आदमी लगाते हैं, जो उनसे आप बोलो तो सही, उनका काम ही बोलने का है, इसलिए उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, भाई 1 करोड़ पकड़ तू बोल ले जा हमारी तरफ से। तो ऐसे ही हमारे जैसे टीचर्स या हमारे जैसे कोचिंग वाले या अब 100 में से 1 होता है जो दोस्तों यहाँ आकर के ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे, ऐसे ऐसी गुमराह करेंगे, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे दिल की आवाज़ आप तक अगर पहुँच रही है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, आपका गुरु है ना उसी से आप पूछ लेना कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आपका सवाल है कि गुरु कौन है, तो आपका खुद का मस्तिष्क, आपके पास दिमाग नहीं है क्या, आपके खुद के, आप खुद नहीं सोच सकते हो, दूसरा कहेगा जब करोगे, तो फिर खुद का दिमाग को बेच दो यार, पागल हो गए क्या आप, ये इतना तो सोचो कि खुद का दिमाग दिया तो खुद के लिए तो खुद के दिमाग से सोचना है ना।
ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलता हूँ। अभी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ऊंचा चला गया हूँ, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कैमरे को। ये लीजिएगा थोड़ा सा, अब शायद आपको, हाँ जी ये लीजिएगा, वेरी गुड। तो जल्दी से जल्दी शेयर लाइक कर दो जिससे क्लास स्टार्ट करें हम लोग। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। राजधानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए। इसके बाद अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है बिट टेस्ट सीरीज विद नोट्स, तो आप और भी अच्छा प्रयास करने के लिए राजधानी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप राजधानी क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक बार, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज मुझे स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करना था, और लास्ट क्लास में हमने साइटोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, आपको ध्यान होगा। तो प्लीज़ मैं ज़रा इसमें गाड़ी में डीजल भर लेता हूँ, क्योंकि बिना डीजल के गाड़ी चलती नहीं है। हाँ, तब तक आप शेयर लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको फैला दो, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, वो भी आप ही के मित्र हैं, आपके साथी गण हैं। और जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े होंगे, कोई भी टीचर हो उसको पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है। सीधी सी बात है, कोई भी कलाकार जब अपनी कलाकारी दिखा रहा हो और जब तक सामने ऑडियंस की भीड़ ना हो, तब तक उसको कला दिखाने का मज़ा नहीं आता, और वो अपनी कला बहुत बेहतर नहीं दिखा पाता। कला तो दिखाता है लेकिन बहुत बेहतर नहीं दिखा पाता। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई भी कलाकार, कोई भी टीचर आपको बेहतर से बेहतर दे, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम कहानी। तो आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, स्केलेटन सिस्टम, ध्यान रखना। मैंने साइटोलॉजी कंप्लीट की है, क्लासेस रेगुलर चलेंगी, साइटोलॉजी कंप्लीट की है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, हम इस समय पढ़ रहे थे बायोलॉजी, बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, और बायोलॉजी को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो था बॉटनी और एक था जूलॉजी। आपको याद होगा, ये पुरानी बात है, मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन दे रहा हूँ आपको कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कभी कई लोग ऐसा है कि वीडियो पर आते रह के चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग बाद में भी जुड़े हैं, तो उनको पता तो रहना चाहिए कि चल क्या रहा है। बॉटनी में हम पादपों का अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करेंगे। रुको सर, रुको, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अब पादप हो या जंतु, बॉटनी हो या जूलॉजी, जब हम इसको पढ़ने वाले हैं तो हमें इन दोनों की बेसिक चीज़ पढ़नी होती है, और बेसिक चीज़ होती है सेल, क्योंकि पादपों का शरीर भी सेल, सेल यानी कोशिका का बना होता है, और जंतुओं का शरीर भी सेल यानी कोशिका का बना होता है। तो कोशिका का अध्ययन जरूरी है, और कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। मतलब आपको बॉटनी या जूलॉजी पढ़ने से पहले साइटोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है, और साइटोलॉजी हमने कम्प्लीटली पढ़ ली है, साइटोलॉजी हमने कम्प्लीटली पढ़ ली है। और अब मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले जूलॉजी पढ़ें, उसके बाद बॉटनी पढ़ें, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, इसके अलावा आप जानते हैं कि और भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, वो भी हम देख करके चलेंगे। इसके अलावा हमने साइटोलॉजी कम्प्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में, और जो विद्यार्थी वंचित रह गए हैं वो ऐप पर से क्लास देख सकते हैं।
क्योंकि YouTube पर 24 घंटे हम क्लास डिलीट कर देते हैं या डिलीट हो जाती है, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पूरी साइटोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कम से कम 15 क्लासेज हैं जिसमें साइटोलॉजी कंप्लीट होती है, घास फूस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ना जो आपको मिल जाएगा। तो कम से कम 15 क्लासेज हैं जो आपको राजधानी ऐप पर मिलेंगी साइटोलॉजी की, जो कल कंप्लीट हो गई है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आज मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा रहा हूँ जिसका नाम है जूलॉजी। और जूलॉजी में होता है जंतुओं का अध्ययन, और जंतुओं में हमसे बड़ा जंतु, हमसे बड़ा जानवर और कौन होगा, हमसे खूबसूरत जानवर कौन होगा। तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना ढांचा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अपना ढांचा पढ़ेंगे। और ढांचा सीधी भाषा में तो ढांचा बोलते हैं, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो विज्ञान की दृष्टि से ढांचे को कहा जाता है, ढांचे को कहा जाता है कंकाल तंत्र। ढांचे को कहा जाता है क्या? कंकाल तंत्र। तो मैं शुरू करने वाला हूं और आपका स्वागत है जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर साइटोलॉजी के बाद। मैं योगेंद्र सिंह आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं जूलॉजी का पहला टॉपिक जिसका नाम है कंकाल तंत्र। सिंसियरिटी के साथ पढ़िएगा, अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाने का एक अलग ही आनंद आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़िएगा। तो कंकाल तंत्र का मतलब सीधी भाषा में कहें हमारी बॉडी का ढांचा। अब ये तो सिंपल बात होगी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से भी एक इसकी थोड़ी सटीक सी परिभाषा दे ली जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि अंगों का वह समूह, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने कोशिका को पढ़ा था अभी लास्ट क्लास के अंदर, कोशिका और कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक, कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक, ऊतकों का समूह कहलाता है अंग, और अंगों का समूह कहलाता है तंत्र, और तंत्रों का समूह कहलाता है पूरा शरीर, बॉडी कहलाती है। ये मैंने सेल थ्योरी में आपको बताया था, सेल थ्योरी जिसका प्रतिपादक था स्लाइडेन और स्वान। वापस लौटिएगा, यहाँ पर मैं ऊतकों की बात करूँ तो ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है ऊतकी, इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, जिसका जनक आपको अच्छी तरीके से पता है मार्सेलो मेलपीगी। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, शर्त यह है कि आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली बोर्ड पर बने रहे, क्लास में बने रहे, क्योंकि सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्लास में एक सेकंड का भी मिस मत कर देना, क्यों? क्योंकि कब मैं क्या बोल जाऊं कोई पता नहीं, कब कहां से कौन सा सवाल निकाल दूं। अच्छा, ये जो ऊतक शब्द है, ऊतक शब्द सर्वप्रथम बाई काट ने दिया था, ऐसा आपको देखने को मिलता है किताबों के अंदर। तो ऐसा है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं समय सिस्टम्स। तो सिस्टम्स की मैं बात करूं तो तंत्रों की अगर बात की जाए तो तंत्र होते हैं अंगों का समूह, मतलब बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं तंत्र। और हम पहला तंत्र, पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अंगों का समूह तंत्र। अब कंकाल मतलब ढांचा, मतलब वो अंगों का समूह जो हमारा ढांचा बनाता है कंकाल तंत्र कहलाता है, वो अंगों का समूह जो हमारा ढांचा बनाता है कंकाल तंत्र कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कहने की जरूरत नहीं है, काफी दिन हो गए आप लोगों को पढ़ते पढ़ते। तो जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ता है वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ जाता है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कब मिटा दूंगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अलर्ट रह करके पढ़ो, कभी टाइम पास के लिए नहीं बैठे हो। ऐसा नहीं कि मैं बार बार कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आप लोग जागरूक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के अंदर खुद के अंदर इतनी सोच समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, अलर्ट होकर के बैठो, टाइम पास के लिए नहीं बैठो, वापस लौटो। तो अब मैं बोलने जा रहा हूं कि अंगों का समूह, तो अंगों का वो समूह जो शरीर को आकार प्रदान करे, आकृति प्रदान करे, सहारा प्रदान करे और सुरक्षा भी प्रदान करे। अंगों का वह समूह जो शरीर को कोई निश्चित आकार, आकृति, सहारा या सुरक्षा प्रदान करे, क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। यानी कि अब हम देखने वाले हैं हमारी बॉडी का जो आकार बना हुआ है, जैसी भी हमारी आकार है, बड़ा है, छोटा है, आकृति जैसी भी है हमारी, उसका जो निर्माण करेगा वो कहलाएगा कंकाल। और ये जो कंकाल है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, किसी भी जीव के, किसी भी एनिमल बॉडी के स्केलेटन की हम बात करें तो उसे दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है बाह्य कंकाल और एक है दोस्तों अंतः कंकाल। दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बाह्य कंकाल और
अंतः कंकाल, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, तो बाह्य कंकाल मतलब बाहर का कंकाल और अंतः कंकाल मतलब अंदर का कंकाल। तो बाहर क्या है, अंदर क्या है, तो किसी भी आदमी को आप देखें, औरत को भी देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, मतलब एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, खास करके मानव की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी मानव, मेल फीमेल कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, अगर आप उसकी बॉडी को देखें तो आपको बाहर क्या क्या नजर आ रहा है वो तो हो गया बाह्य कंकाल, फिर अंदर क्या क्या है वो हो गया आपका अंतः कंकाल, जो क्या बनाएगा हमारा ढांचा। तो मैं सिंपल सी बात में कहूँ आपको, एक मानव पर ऊपर उसके शरीर पर क्या नजर आता है, शर्ट पैंट इनको खोल दो, अब क्या नजर आता है भाई, शर्ट पैंट खोलने के बाद में क्या नजर आता है, इनको खोलने के बाद नजर आती है पूरी बॉडी पर स्किन, त्वचा नजर आती है, क्या नजर आती है, त्वचा। तो पहले मैं बाह्य कंकाल की बात करने वाला हूं कि शरीर पर, पूरे शरीर पर टॉप टू बॉटम त्वचा का आवरण है, और त्वचा के अलावा और क्या नजर आता है, मुझे बाल नजर आते हैं, नाखून नजर आते हैं, सींग नजर आते हैं, खुर नजर आते हैं, पंख नजर आते हैं, अलग अलग एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर लेते हैं एक साथ में। तो त्वचा के अलावा मुझे बाल नजर आए, बाल के अलावा नाखून नजर आए, नाखून के अलावा मुझे सींग नजर आए, सींग के अलावा मुझे खुर नजर आए, पक्षियों के ऊपर पंख नजर आए, मछलियों के ऊपर मुझे शल्क नजर आए। तो मुझे अलग अलग एनिमल के शरीर के ऊपर, मतलब बाह्य कंकाल को जब मैंने देखा तो बाल, नाखून, सींग, खुर, पंख, शल्क, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप देख रहे हो, इनकी उत्पत्ति त्वचा की कोशिकाओं से ही होती है, और इसीलिए इसको कहा गया त्वचा के व्युत्पन्न, इसको कहा गया त्वचा के व्युत्पन्न। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाह्य कंकाल प्रमुख रूप से त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों का बना होता है, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों का बना होता है, जैसे कि बाल, सींग, खुर, नाखून, पंख, शल्क आदि, अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अभी त्वचा की बात करूँगा, स्किन की बात करूँगा, गर्मी का मौसम है और टीवी पर एक पाउडर का एड बड़ी तेज़ी से आता है, गर्मियों में आता भी है और आ भी रहा है, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, कुछ याद आया, डर्मी कूल, डर्मी कूल, डर्मी मतलब डर्मा और डर्मा का मतलब है यहाँ पर त्वचा, डर्मा का मतलब है यहाँ पर त्वचा, ध्यान रखना, डर्मी कूल, डर्म यानी त्वचा, कूल यानी ठंडा, ध्यान रखना, जब भी बायोलॉजी के अंदर डर्मा शब्द की बात करे तो आपके दिमाग पर तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि डर्मा मतलब वो किसकी बात कर रहा है, त्वचा की बात कर रहा है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, पिछली क्लासेस में मैंने कई बार दोहराया है इस बात को कि अंग्रेजी शब्द में लॉजी लगाओ, वैसे त्वचा को स्किन बोलते हैं लेकिन बायोलॉजी के अंदर हम इसके लिए डर्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज, त्वचा मतलब डर्मा और डर्मा का अध्ययन लॉजी लगा दीजिए, डर्मा का अध्ययन कहलाएगा डर्मेटोलॉजी, त्वचा संबंधी अध्ययन, त्वचा संबंधी अध्ययन कहलाएगा डर्मेटोलॉजी, डर्मोलॉजी भी बोल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, है ना। तो डर्मा शब्द आएगा त्वचा के लिए। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आगे चलकर जब आप विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक शब्द आएगा डर्मेटाइटिस, मैं आपसे अभी बोल देता हूँ कि डर्मेटाइटिस रोग, डर्मेटाइटिस रोग, फिर से सुनिएगा, डर्मेटाइटिस रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं भी हो तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि डर्मेटाइटिस बोल रहा है, इसका मतलब डर्मा शब्द इसमें है और डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा। तो डर्मेटाइटिस रोग ऐसा रोग है जिसमें हमारी शरीर की त्वचा खराब होना शुरू हो जाती है, मतलब ये त्वचा संबंधी रोग है, आगे जानकारी करेंगे इसके बारे में बाद में। अच्छा, इसके अलावा ये जो त्वचा है, त्वचा के लिए ऐसा भी कहा गया है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना गया है, सबसे बड़ा अंग माना गया है, पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल देखें हम तो त्वचा का एक बहुत बड़ा आवरण है,
तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को मान लिया गया। बाकी अगर मैं बात करूं, यही सवाल आपको एक बार फिर से मिलेगा, ऑप्शन मैं दे देता हूं आपके समक्ष हैं ए बी सी और डी। ऑप्शन है अग्नाशय, आमाशय, यकृत और हृदय। आपसे फिर ये सवाल पूछ लिया गया कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इस तरीके से भी आता है सवाल, है ना, सबसे बड़ा अंग है, ऐसा भी एक सवाल आपको देखने को मिलता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पर जब इस तरह के ऑप्शन आपको मिले तो ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन है और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यकृत। इस बात का ध्यान रखना, ये सवाल दोनों तरीके से पूछा जाता है, कभी आपको त्वचा मिलेगा, कभी आपको यकृत मिलेगा। तो एक्सटर्नल ऑर्गन की जब बात करें, बाह्य अंगों की बात करें, तो बाह्य अंगों के अंदर सबसे बड़ा अंग किसको माना गया है, त्वचा को, जबकि सबसे बड़ा आंतरिक अंग किसको माना गया है, यकृत को। ध्यान रखना, ये जो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, जो कि एक बहिस्त्राव प्रकार की ग्रंथि है। अब ये अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम जानकारी करेंगे आगे चलकर। अभी तो हमने अभी पहला ही टॉपिक उठाया है, पहले तो ढांचा बनाए, कंकाल बनाए, और उसके बाद फिर इस ढांचे के अंदर सारे सिस्टम सेट करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइनो सिस्टम है, एक्सोक्राइनो सिस्टम है, वो सारे सेट करेंगे हम इसके अंदर। तो फिलहाल केवल इतनी सी बात है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, और इंटरनल ऑर्गन की बात करेगा तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन है, यकृत। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं, ये जो त्वचा है, त्वचा पर हम देखें तो क्या नज़र आता है, आप गौर से देखिएगा, आपको त्वचा पर छोटे छोटे रोम नज़र आ रहे होंगे, और उन रोमों को अगर और भी थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा जैसे छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे ये रोम निकल रहे हैं, तो इनको रोम छिद्र बोल दिया। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं त्वचा पर छोटे छोटे पाए जाते हैं रोम छिद्र। क्या पाए जाते हैं? रोम छिद्र। और इन रोम छिद्रों से निकलता है श्वेद, श्वेद जिसको आप कहते हैं पसीना, और पसीना निकलने की क्रिया कहलाती है श्वेदन। पसीना निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वेदन कहलाती है। भाई श्वेद निकलने की क्रिया श्वेदन कहलाती है। अब पसीना आना शरीर के लिए ज़रूरी है, पसीना आना शरीर के लिए ज़रूरी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पसीना जो होता है शरीर के ताप का नियमन करता है, पसीना शरीर के ताप का नियमन करता है। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार पूछा भी गया है। ध्यान रखना, शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क का एक भाग और करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। आगे चलकर जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब ये बात आपको दोबारा बताई जाएगी। फिलहाल इतना रखना, ऑप्शन के हिसाब से करना है। पसीना शरीर के ताप का नियमन करता है, वहीं हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का भाग है वो भी शरीर के ताप का नियमन करता है। तो चलिएगा, पसीना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये शरीर के ताप का नियमन करता है। वहीं अगर मैं पसीने की बात करूं तो पसीना आता है, पसीना आता है तो आप जरा देखें, पसीना आता है तो जैसे मुझे पसीना आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे करता हूं, आप भी कॉमन करते हैं, मैंने भी कर दिया, पसीना टपका भी है, ऐसे कर देते हैं हम लोग, देखो ऐसे ही है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, एक आता है सवाल कि बॉडी में पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, तो कुछ लोग कहते हैं साहब हथेलियों पर, कुछ लोग कहता है पैर के तलवों पर, कुछ लोग कहते हैं साहब आर्मपिट, कांख बोल देते हैं, बोले साहब यहाँ आता है, कुछ लोग कहते हैं साहब माथे पर, कन्फ्यूजन का विषय है ध्यान रखना। तो ये ऐसा कोई खास सवाल नहीं है, फिर भी क्या होता है कि कुछ एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है कि मानव शरीर पर पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है। तो ऐसा देखो, मैंने क्या कहा, पसीना जब आता है तो आप क्या करते हो, सिंपली अरे पसीना आ रहा है, वाह गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी है, ऐसे करते हो शायद मेरे हिसाब से। देखो एक्सप्रेशन कहाँ जाता है, ये जाता है एक्सप्रेशन, और इसको कहते हो आप फॉरहेड माथा। क्या कहते हो? फॉरहेड माथा, ध्यान रखना, फॉरहेड माथा या माथे पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माथे पर सर्वाधिक पसीना आता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पसीना कहाँ पर आता है? माथे पर सर्वाधिक पसीना आता है, माथे पर सर्वाधिक पसीना आता है, ऐसे करते हैं ऐसे। अब कोई कहता है साहब हमने तो ये पढ़ा है आर्मपिट, कांख, आपने सिंपली देखा होगा, कभी ऐसे करते देखा किसी को, अरे यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग कर लेते हैं, सभी तो नहीं करते, अब बात तो हर जगह होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, माथे के बाद में जब ऑप्शन मिलेगा तो वो आर्म पिट भी मिल सकता है, कांख भी मिल सकता है, कांख बोलते हैं, सिंपली भाषा में बोलो आप तो कांख
ARMPIT, आर्म पिट बोलते हैं, तो ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, कोई खास बात नहीं है ना। तो आपको माथा मिलेगा और या आर्म पिट मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इतना कॉमन सेंस अपने अंदर होना चाहिए कि साहब दोनों ही मिल जाए तो, कुछ लोग होते हैं कि साहब दोनों ही मिल जाए तो नहीं मिलेगा, गलतफहमी दिल और दिमाग से आज ही निकाल देना कि नहीं साहब मिल जाए तो, कुछ लोग फिर भी नहीं मानते नहीं साहब मिल गया तो जिंदगी में नहीं मिले, एक ही आएगा, या तो माथा आएगा या फिर कांख, जिसको आर्म पिट बोलते हैं, इसको फॉरहेड बोलते हैं, इसको आर्म पिट बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद सब पसीना आता कहाँ नहीं है, यहाँ तो सबसे ज्यादा आता है कि पूरी बॉडी में पसीना कहाँ पर नहीं आता है, लिप्स पर पसीना नहीं आता, होठों पर पसीना नहीं आता, होठों पर पसीना नहीं आता। और ध्यान रखना जो स्तन होते हैं, स्तन पर जो आप देखते हैं स्तन के चूचक होते हैं, उन पर भी पसीना नहीं आता, शिश्न मुंड पर भी पसीना नहीं आता। नर जननांग का भाग है शिश्न, और शिश्न का अग्र भाग जो होता है वहाँ पर भी पसीना नहीं आता। ध्यान रखना ये अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं, होठों पर पसीना नहीं आता है, चूचक पर पसीना नहीं आता है, और शिश्न मुंड पर भी पसीना नहीं आता है। ये पसीना ग्रंथि जब आप पढ़ोगे तो मैं दोबारा आपके सामने इस बात को लेकर के आऊँगा जब आप अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो फिलहाल केवल इतना सा, हमारी शरीर की जो त्वचा है, त्वचा पर छोटे 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 रोम छिद्र पाए जाते हैं, और इन रोम छिद्रों से श्वेदन की क्रिया द्वारा श्वेद निकलता है, श्वेद यानी पसीना निकलता है, और पसीना शरीर के ताप का नियमन करता है, अच्छा है हमारे सेहत के लिए पसीना आ रहा है तो। बाकी माथे पर या कांख में, दोनों में से कुछ ही ऑप्शन आएगा, पसीना ग्रंथियाँ सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये आपने नोट कर ही लिया होगा, तो मैं एक चीज़ और लिखना चाहूँगा कि जो पसीना है, पसीना शरीर के ताप का नियमन तो करता है, लेकिन पसीना जब निकलता है तो आपने देखा होगा पसीने के साथ क्या एक्सक्रेट होता है, क्या उत्सर्जित होता है, क्या बाहर त्यागा जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है कि पसीने के साथ क्या उत्सर्जित होता है। तो आप देखते हो पसीना जब ऐसे पहुँचते हो तो उसमें पानी होता है, ये मैं पहुँच रहा हूँ, मेरा आ भी रहा पसीना, पसीना के अंदर क्या होता है, पसीने के अंदर होता है क्या, पानी होता है, सिंपल। ये लो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, बाद में आ जाएगा ये दोबारा, ऐसा कोई खास बात नहीं है। पसीने के अंदर क्या होता है, जल होता है, पसीने के अंदर क्या होता है, जल होता है। अब पसीना आपने पिया होगा तो आपको उसका टेस्ट भी पता होगा, कभी आपने पसीना पिया है, कुछ लोग कहते साहब नहीं पिया मैंने तो, कुछ लोग कहते हैं पिया है। अरे गर्मी होती है, मान लो हाथ खराब है, आप पसीना पहुँच नहीं पा रहे हो, पसीना बहता हुआ नीचे आ रहा है, गालों को चूमता हुआ नीचे उतर रहा है, एक भाई अब इसको तो ऐसे पहुँच लिया, इसको ऐसे पहुँच लिया, अब ये जो बीच में से आ रहा है वो कहाँ जाएगा, ऐसे टेस्ट आता है, हल्का हल्का फ्लेवर लिया होगा तुम लोगों ने, तो पसीने का फ्लेवर आता है आपको कैसा, खारा खारा आता है, और खारा किसकी वजह से आता है, नमक की वजह से। पानी में अगर आप नमक डाल दोगे तो वो खारा हो जाएगा, नमक, लौण बोलते हैं क्या अपने राजस्थान में, लौण, हाँ लौण बोलते हैं, लूण करणसर झील, ऐसा कुछ सुना है मैंने, बीकानेर में है राजस्थान के अंदर, हाँ तो लूण है वहाँ पर, तो लूण इसीलिए नाम पड़ा वहाँ से। तो ध्यान रखना नमक को लूण भी बोलते हैं, तो ये लिख दो, जल के साथ क्या होता है, लूण होता है, लूण मतलब लवण, समझ गए बात को, वो को अपन कहते हैं जल व लवण, लवण को, लवण वो बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो लूण है, ये सीधी भाषा में अपन जो बोलते हैं इसको, ये लूण है। तो पसीने के साथ क्या उत्सर्जित होता है, जल और लूण, लूण मतलब लवण, जिसकी वजह से पसीना कैसा आपको फील होता है, खारा खारा होता है। बाकी इसके अलावा पसीने का पीएच मान भी आपसे पूछ लेता है कि पसीने का पीएच मान क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पसीने का पीएच मान, पीएच ऑफ स्वीट, स्वीट मतलब SWEET, स्वीट यानी मिठाई नहीं, SWEAT, स्वीट यानी पसीना, है ना, तो पीएच 7.4, ध्यान रखिएगा, कहते ना खून पसीना एक कर दिया, तो खून पसीना एक ही है, खून पसीना एक, खून पसीना एक, खून पसीना एक, खून का पीएच मान 7.4, पसीने का पीएच मान 7.4, खून पसीना एक। तो आपको अगर खून का पता है तो खून पसीना एक हो जाएगा एक झटके में, खून पसीना एक, खून का, पसीने का 7.4, ओके। पीएच मान क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अम्ल क्षार लवण, केमिस्ट्री में टॉपिक आएगा, बेहद मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, बस इसी तरीके से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में दिखाना, हम लोग बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वापस लौटते हैं,
श्वेद निकलता है, पसीना निकलता है और पसीने के साथ जल और लवणों का उत्सर्जन होता है। पसीना शरीर के ताप का नियमन करता है, ये बात हम जानते हैं, जान गए हैं। और सबसे ज़्यादा पसीना माथे पर आता है और माथा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आर्म पिट मिलेगा, आँख में आता है ऐसा मिलेगा। और पसीना कहाँ नहीं आता है, होठों पर नहीं आता है, चूचुक पर नहीं आता है और शिश्न मुंड पर नहीं आता है। आप इस बात को नोट करें, स्क्रीनशॉट लें तुरंत प्रभाव से ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मैं साइड मर जाता हूँ। हाँ भाई, नोट कर लिया है? हाँ नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी लिया करो। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं अपनी भाषा में, तो ऐप पर आपको नोट्स बिल्कुल अवेलेबल होंगे। सारे टॉपिक्स के हैंडमेड नोट्स हैं, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके हम लिख रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करके आपके लिए पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, तो वो आपको ऐप्स पर मिल जाएगा, है ना। चलिएगा, तो खून पसीना एक हो गया है, वेरी गुड। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और हटाने के बाद मैं थोड़ी सी त्वचा से संबंधित और बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जो अक्सर पूछ ली जाती है। फिर हम अंतः कंकाल की ओर चलेंगे। अभी मैं बाह्य कंकाल को देख लेता हूँ आप लोगों के समक्ष, इसकी बात को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिएगा, अंतः कंकाल को बाद में देखेंगे, थोड़ा बाह्य कंकाल को निपटा लेते हैं एक बार। तो त्वचा के संबंध में और भी चर्चा करना चाहे तो, जैसे मैं कहूं कि त्वचा जो है, त्वचा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो त्वचा के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है एलास्टिन। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, त्वचा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो कोलेजन प्रोटीन पढ़ा है। कुछ लोग अब ये बोलेंगे, उनके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर मैंने तो कोलेजन प्रोटीन पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं भी आपकी बात से सरोकार रखता हूँ, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, वेट करें कि कोलेजन कब आएगा। आएगा, वेट फॉर सम टाइम। लुक एट दिस, एलास्टिन प्रोटीन त्वचा में प्रमुख रूप से। इसके अलावा त्वचा के थोड़ा सा अंदर अगर अपन जाते हैं तो आपको मांसपेशियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं दोस्तों? मांसपेशियां। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लीजिएगा, मांसपेशियां। और मांसपेशियों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने तो कोलेजन पढ़ा है मांसपेशियों में। बिल्कुल राइट है, तसल्ली रखना, पूरा देख के चलना एक बार, बीच में नहीं बोलना बिल्कुल भी। अच्छा, मांसपेशी, ध्यान रखना मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं और हर टॉपिक में कुछ शब्द देकर चलूंगा ताकि एक शब्द से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकें। जैसे यहाँ पर मांसपेशी शब्द आया है, मसल्स इंग्लिश में बोलते हैं मांसपेशियों को, तो मायो शब्द मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके लिए? मांसपेशी के लिए। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, पूर्णतया आजादी है, प्रजातंत्र है, तो हम देख सकते हैं। मायो शब्द इस्तेमाल किया है मांसपेशी के लिए, और मायो का अध्ययन क्या कहलाएगा? वेरी गुड, मायोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाएगा दोस्तों मायोलॉजी। क्या कहलाएगा? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाया? मायोलॉजी कहलाया। वहीं अगर मैं बात करूं मांसपेशियों के संबंध में और थोड़ी सी, तो मांसपेशियों का रंग होता है हल्का गुलाबी। मांसपेशियों का रंग होता है हल्का गुलाबी। मांसपेशियों का रंग होता है हल्का गुलाबी। मांसपेशियों का रंग हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। और हल्का गुलाबी होने का कारण है, मांसपेशी शब्द है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? मायो सिंपली और मायोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, जैसे रक्त के लिए था हीमोग्लोबिन, वैसे मांसपेशी के लिए है मायोग्लोबिन। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु लोहा था। हीम मतलब रक्त, यहां पर मायो मतलब मांसपेशी, मायो मतलब मांसपेशी। तो मायोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा? एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। मायोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? हीमोग्लोबिन की तरह Fe ही होता है,
फेरम ही होता है, लोह तत्व ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों का अध्ययन, सॉरी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाएगा, और मांसपेशियों के अंदर प्रमुख रूप से जो प्रोटीन है वो है मायोसिन। अब कुछ लोगों ने क्या है, मायोसिन की जगह कॉलेजन पढ़ रखा है और त्वचा में इलास्टिन की जगह कॉलेजन पढ़ रखा है, वो क्या है? मैंने अभी इस पर स्टार डाल करके इसको साइड में रखा हुआ है, क्यों है? मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ध्यान से सुन के चलना। अब मैं थोड़ी सी बड़ी छोटी की भी बात कर लेता हूँ कि मांसपेशी मानव शरीर की, मैं मानव की बात कर रहा हूँ, मानव में सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें, सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें, हम बड़ी छोटी की बात कर लेते हैं ना, बड़ी की बात कर लेते हैं, छोटी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो उसमें टक्कर खा जाएगा ये मायोग्लोबिन में, है ना। हाँ ये लीजिएगा बड़ी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो नाराज मत होना, सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस, और आपको याद आ गया होगा मैक्सिमम, ग्लूटियस मैक्सिमम। मैं छोटी की बात कर लूँ, सबसे छोटी मांसपेशी जो बॉडी में है वो है स्टेपीडियस, स्टेपीडियस। और सबसे लंबी मांसपेशी की बात करूँ मैं तो सबसे लंबी मांसपेशी है साइटोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी जो है वो कौन सी है, साइटोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, साइटोरियस। तो एक बात ध्यान से सुने, आप आराम से सुने कि यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मांसपेशियों से संबंधित बातें। तो मांसपेशियाँ जो हैं, मांसपेशियाँ जब हम पढ़ेंगे तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मायोलॉजी। मांसपेशियों के अंदर प्रमुख रूप से प्रोटीन है मायोसिन, मांसपेशियों का रंग हल्का गुलाबी होता है मायोसिन मायोग्लोबिन के कारण, और मायोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु होता है लोहा। और ह्यूमन बॉडी में जो मांसपेशियां हैं मसल्स हैं उनमें सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो है ग्लूटियस मैक्सिमम, जिसको हम कूले की मांसपेशी भी कह सकते हैं ना, ध्यान रखना कूले पर जो मांसपेशी होती है सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमम। स्टेपीडियस कान में है सबसे छोटी, और जांघ पर फीमर के ऊपर लिपटी हुई होती है सबसे लंबी साइटोरियस। तो ध्यान रखें, आराम से सुने, ये तो गई इसकी बात, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करना चाहूं कि त्वचा में तो प्रमुख रूप से प्रोटीन है इलास्टिन और मांसपेशियों में मायोसिन, लेकिन कुछ लोगों ने जो कॉलेजन पढ़ रखा है वो भी राइट है, लेकिन ध्यान रखना क्या एक ही जगह पर दो दो प्रोटीन नहीं मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, त्वचा में प्रमुख रूप से तो इलास्टिन है, लेकिन इलास्टिन के अलावा और कौन सा मिलता है, कॉलेजन भी मिलता है। मांसपेशियों में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन होता है, मांसपेशियों में प्रमुख रूप से मायोसिन होता है, लेकिन मायोसिन के अलावा कॉलेजन भी होता है, जो कि इन्हें कैसा गुण प्रदान कराता है, लचीलापन प्रदान कराता है। ध्यान रखना, त्वचा में और मांसपेशियों में कॉलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है, बाकी इनमें प्रमुख रूप से कंटिन्यूसली बात करें तो त्वचा में इलास्टिन और मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है। वहीं हड्डियों में भी, ध्यान रखना थोड़ी देर बाद चल करके हम बात करेंगे कि हड्डियों में भी प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ओसिन। ध्यान रखना ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि हड्डियों में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ओसिन, लेकिन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन के अलावा लगभग 30% प्रोटीन कॉलेजन भी पाया जाता है, जो हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना पड़ेगा, हड्डियों में प्रमुख रूप से प्रोटीन ओसिन, लेकिन ओसिन नहीं मिलेगा तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉलेजन। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमें नुकसान दे सकते हैं। थ्योरी अगर पढ़ रखी है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, रेगुलर पढ़ोगे तो भी दावे के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर फोड़ करके आओगे, लेकिन कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा बिल्कुल 0% गारंटी है, अगर रेगुलर क्लास ली पूरी क्लास ली 100% गारंटी है। आ जाओ तो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ साइड में। हो गया, चलिएगा। अब क्या होता है कई बार जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये मांसपेशियों संबंध में एक सवाल और आ जाता है, इनकी संख्या कितनी है, ऐसा एक सवाल और आ जाता है कभी कभी, तो ये सवाल वैसे आता नहीं है, बाकी हम पढ़ते हैं लगभग 639 इनकी संख्या मानी गई है ना, और ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखना ये लगभग में है, मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 मानी जाती है, ऐसे एक सवाल रहता है, मैं थोड़ा सा ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी।
तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये 639 के आसपास का जो आंकड़ा हो वो आप कर देना। एग्जैक्ट 639 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप अगर उसको गूगल पर भी सर्च मारेंगे तो ये आपको वेरिएशन देगा, कहीं कम देगा कहीं पर ज़्यादा देगा, तो थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है। 639 के आसपास का जो हो आप वो कर देना, ठीक। तो ये हो गई इसकी बात। अब अगर मैं बात करूं बाह्य कंकाल से संबंधित, लगभग हम सारी चर्चाएं कर चुके हैं, त्वचा, त्वचा के बाद में मांसपेशियों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी कर चुके हैं, और अगर अब आप अंदर चलते हैं, तो अंदर चलते हैं तो अंदर चलने के बाद हम इसका सेकंड पोर्शन उठा सकते हैं, और अंदर चलने पर हमें मिलता है अंतः कंकाल, कंकाल तंत्र का सेकंड भाग। पहला जो भाग था वो था बाह्य कंकाल, दूसरा जो भाग हम पढ़ने वाले हैं वो है अंतः कंकाल, और अंतः कंकाल बना होता है प्रमुख रूप से हड्डियों का, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अंतः कंकाल प्रमुख रूप से हड्डियों का बना होता है, आ जाइएगा। तो सेकंड पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं अंतः कंकाल, अंतः कंकाल जो प्रमुख रूप से किसका बना है, हड्डियों का। और ध्यान रखना, हड्डियों के लिए प्रमुख शब्द जो मैं लूंगा यहां पर, वैसे तो हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं, BONE, हड्डी को बोन कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं बोन नहीं कहूंगा, यहां पर मैं कहूंगा ऑस्टिया। क्या कहूंगा दोस्तों? ऑस्टिया। आपको काफी चीजें यहीं पर समझ में आ जाएंगी, कुछ सवालों के जवाब ऑटोमेटिक आप यहां पर से कर देंगे। अब टेक्निकली चलना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको काफी दिन हो गए मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग रटे नहीं, आप केवल समझे, शब्दों के साथ खेलें। एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, आप शब्दों के साथ खेलिए। जब खेलना सीख जाते हैं तब अपने आप जीत सुनिश्चित हो जाती है, उसके लिए प्रैक्टिस बरकरार जरूरी रहनी चाहिए। तो हड्डी, हड्डी के लिए ऑस्टिया, ऑस्टिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। सिंपल, ऑस्टिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। तो हड्डियों का अध्ययन जब हम करने वाले हैं, हड्डियों का अध्ययन कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है कोशिकाओं की, तो जाहिर सी बात है इन हड्डियों का निर्माण भी कोशिकाओं से ही हुआ है। तो हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो हड्डियों का निर्माण, किसका निर्माण? हड्डियों का। तो हड्डी के लिए तो शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? ऑस्टिया। हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोशिका के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं साइटो। याद आया कि नहीं आया? मैं साथ के साथ आपको दोबारा भी याद दिलाता चलूंगा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है भूल गए होगे, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम भूल के रहेंगे, ये बात मैं जानता हूँ, है ना। तो साइटो, तो ऑस्टिया का निर्माण करने वाली साइटो मतलब हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका। अब एक कोशिका थोड़ी कर रही है निर्माण, बहुत सारी कोशिकाएं कर रही हैं। तो बहुवचन, 8वीं 9वीं में इंग्लिश पढ़ी थी तब याद आ गया होगा, बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस लगा देते थे। तो साइटो मतलब एक कोशिका, और साइट्स मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो समझिएगा, ऑस्टिया का अध्ययन करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टिया का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाएगी ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। अब मैं कहूं कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, हड्डियों की संख्या लगभग 206 है। लगभग क्या, एग्जैक्टली 206 है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या 206 मानी गई है। लेकिन हम हड्डियों के बारे में जब चर्चा करें तो थोड़ा सा ये भी जान ले कि जितनी भी हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी हड्डियां हैं, जैसे मैं इधर बना देता हूँ एक हड्डी आपके समक्ष, ये हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उन सभी हड्डियों के ऊपर, हमारी बॉडी की जितनी भी हड्डियां हैं उन बॉडी की हड्डियों के ऊपर चारों ओर एक पतला झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, पतला झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हड्डियों के ऊपर पाया जाने वाला आवरण। अब मुझे तो नहीं आता मान लो, और आपको भी नहीं आता, लेकिन आपको एक चीज़ आती है, सवाल पूछ रहा है हड्डियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण। तो चारों ओर किसके? हड्डियों के। तो आपको ऑप्शन में निश्चित तौर पर क्या दिखेगा? ऑस्टिया।
तो देखिएगा मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, हड्डियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पेरी ऑस्टियोमियम, पेरी ऑस्टियोमियम, पेरी ऑस्टियोमियम। आराम से सुने, तसल्ली से सुने, हड्डियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पेरी ऑस्टियोमियम, पेरी ऑस्टियोमियम, पेरी ऑस्टियोमियम। यानी कि देखो यहाँ पर शब्द क्या है, ऑस्टिया। सवाल पूछा हड्डियों के चारों ओर, किसके चारों ओर, हड्डियों के, तो हड्डी जैसी देखा ऑस्टिया आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको काफ़ी हद तक आसानी मिलेगी। तो मतलब आपको जब भी हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑप्शन में ऑस्टिया तलाशना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, शायद आप आंसर आसानी से कर पाएं। अच्छा, इसके बाद जब हड्डियों की बात हो ही गई है तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये जो हड्डियाँ हैं हमारे शरीर की, जो लंबी और मजबूत हड्डियाँ हैं, हमारे शरीर की लंबी और मजबूत हड्डियाँ जो हैं उनके अंदर एक खाली जगह पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर एक अर्ध ठोस पदार्थ भरा होता है, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। हड्डियों के अंदर, लंबी और मजबूत हड्डियों के अंदर अर्ध ठोस पदार्थ जो भरा हुआ है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। आपने हड्डी के अंदर देखा होगा खाली जगह, उसमें ये कैविटी में भरा होता है ये अर्ध ठोस पदार्थ अस्थि मज्जा। ध्यान रखना ये जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा हड्डियों के सिरों पर, हड्डियों के सिरों पर कैसे रंग का होता है, लाल रंग का, तो उसको आपने क्या कह दिया, लाल अस्थि मज्जा। लेकिन जो बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग में इसका रंग होता है थोड़ा सफेद, थोड़ा सा पीलेपन पर, तो उसको कह दिया पीत अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा या पीत अस्थि मज्जा। समझना बात को। तो इस तरीके से दो तरह की बोन मैरो आप कह सकते हैं, बोन मैरो तो खैर एक ही है लेकिन दो तरह का कलर है, लाल और श्वेत, तो इसलिए इसको कह दिया लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा। ध्यान रखना आगे चलकर आपके सामने एक चीज आने वाली है, आप आगे चलकर सर्कुलेशन जब पढ़ोगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तब आपके सामने ब्लड आएगा, रक्त आएगा, रक्त के अंदर आप पढ़ोगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स या बिंबाणु या रुधिर पट्टिकाणु जिनको आप कहते हैं। तो इन तीनों का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आगे चलकर हम बात करेंगे। तो ऐसा है, हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है वो कहलाती है ऑस्टियोसाइट्स, और हड्डियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण कहलाता है पेरी ऑस्टियोमियम। सवाल जब भी हड्डी का पूछे ऑस्टियो ऑप्शन में ढूंढना है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर भरा हुआ गाढ़ा पदार्थ कहलाता है, एक अर्ध ठोस पदार्थ कहलाता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो, और ये अस्थि मज्जा या बोन मैरो हड्डियों के सिरों पर लाल रंग की होती है और बीच में श्वेत या पीत रंग की होती है, जिस वजह से इसे लाल अस्थि मज्जा या श्वेत अस्थि मज्जा इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अस्थि मज्जा है, इस अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं रक्त का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मतलब अस्थियों के अंदर, हड्डियों के अंदर, और हड्डियों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन, हड्डियों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन, जब आपसे कोई पूछ बैठे तो हड्डियों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है ओसीन प्रोटीन। ध्यान रखना कौन सा प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। बाकी ओसीन प्रोटीन के अलावा, ओसीन प्रोटीन के अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लगभग 30% कौन सा प्रोटीन मिलता है, कॉलेजन प्रोटीन मिलता है। ध्यान रखिएगा जो हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। तो मूल प्रोटीन जो हड्डियों में मिलेगा वो ओसिन है, इसके अलावा जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉलेजन भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाकी हम ये भी जानते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, बात करें नवजात, न्यूली बॉर्न बेबी, ताजा ताजा जन्मा हुआ, बिल्कुल गर्मा गर्म, फ्रेश, बिल्कुल हरा भरा, उसकी बात कर रहे हैं। नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 तक मानी गई है। जब ये शिशु बड़ा होता है, नवजात शिशु जब बड़ा होता है तो
बड़ा होने के साथ साथ ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, कहीं पर बॉडी में दो हड्डियां जुड़ती है, कहीं पर तीन हड्डियां जुड़ती है, कहीं पर चार हड्डियां जुड़ती है, कहीं पर पांच, तो इस तरीके से हड्डियों की संख्या में कमी आती है और वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई हड्डियों की संख्या हो गई है। तो नवजात में तो लगभग 270 से 300, ध्यान रखिएगा 270 से 300 के बीच का एक ही ऑप्शन मिलेगा जब नवजात में पूछेगा। नवजात शिशु में अस्थियों की कुल संख्या होती है, अब ऑप्शन में 270 से 300 के बीच का एक ही ऑप्शन मिलेगा। प्रमुख रूप से जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है या तो 270 या मिलता है 280, 300 तो बहुत रेयर मिलता है, बाकी 270 या 80 मिलता है, 270 से 300 का बीच का एक ही ऑप्शन मिलेगा। और सबके बाद अब मैं बात करूं हमारी बॉडी में जो हड्डियां इस वक्त वो कितनी है, 206, और इन 206 हड्डियों को अपने को पढ़ना है जो कि ऊपर से नीचे तक हमें बॉडी में मिलेंगी, दिखाई देंगी। तो ऐसा है, इसके बाद मैं इन 206 हड्डियों की बात करना चाहूँगा आपके समक्ष, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। हड्डियों की संख्या है 206, और इन 206 हड्डियों से बना है हमारा अंतः कंकाल, और इस अंतः कंकाल को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये 206 हड्डियां जो हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं आओ जानकारी करें, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, पूरा मटेरियल, हैंडमेड नोट्स, कंप्लीट रिटर्न नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे, वहाँ पर से आप वीडियो के साथ सामने नोट्स रख करके पढ़ सकते हैं ताकि चीज़ें और भी बेहतर आपके समझ में आ सकें। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ आप लोगों के साथ, हाँ बैठ जाता हूँ। हो गया, हाँ तो दोस्तों वापस लौटते हैं। तो अभी मुझे बात करने की मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, और इन 206 हड्डियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी अंतः कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये 206 हड्डियां ही तो मिलकर के हमारा अंतः कंकाल बना रही हैं। तो इस अंतः कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं आओ जानकारी करें, यही तो कहा था मैंने। और विज्ञान में ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को सामान्य विज्ञान पढ़नी है। अब कुछ लोग क्या होता है कि जबरदस्ती क्या साइंटिस्ट बनने का प्रयास करते हैं, तो देखो सीधी सी बात है, आपको नासा जाकर के चंद्रयान 3 नहीं छोड़ना है, आपको सिंपल बातें पढ़नी है, साधारण बातें पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। और मैं नहीं कहता कि सवाल यहीं से इस टॉपिक से आएगा, सवाल पूरी जनरल साइंस से कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए पूरी पढ़ना, हम भी तो पूरी पढ़ाते हैं और हमें पता होता कि भाई सवाल यहाँ से आना तो वही चीज़ पढ़ा देते, कोई भी नहीं बता सकता कि सवाल कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ, जिसने पूरी थ्योरी पढ़ी है वो एक बात जरूर बोल सकता है कि सवाल जैसे जहाँ से आ जा मैं उसको फोड़ दूंगा, तो बस पूरी थ्योरी पढ़ो। तो ये जो अंतः कंकाल है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, पहला भाग है अक्षीय कंकाल और दूसरा भाग है उपांगीय कंकाल। पहला भाग है अक्षीय कंकाल और दूसरा भाग है आपका उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल से मतलब है जो हमारे शरीर की मुख्य अक्ष बनाए, जैसे पेड़ होता है ना, आपने कोई पेड़ देखा हो, पेड़ में ये तना होता है, नीचे जड़ें लगी होती है और ऊपर क्या होती है, शाखाएं होती हैं। तो ऊपर तो शाखाएं हैं, नीचे जड़ें हैं, और जो तना होता है, तना किसी भी पौधे की होता है मुख्य अक्ष। ध्यान रखना ये सवाल बॉटनी में भी आता है, किसी पौधे की मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं, या किसी पौधे की मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी पौधे की मुख्य अक्ष होता है तना। ध्यान रखिएगा, खास बात है, हर बात में सवाल है, बस रेगुलर देखते रहो। तो ऐसी हमारा भी तना है, हमारी भी अक्ष है, और अक्ष का निर्माण जो अंग मिलकर के करते हैं उनमें सबसे पहले आता है सिर, उसके बाद आता है कशेरुक दंड, और कशेरुक दंड, कशेरुक दंड जिसको अपन रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, है ना, तो रीढ़ की हड्डी, इसके अलावा पसलियां, और पसलियों के अलावा उरोस्थी, पसलियों के अलावा उरोस्थी, स्टर्नम
जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में। वहीं उपांगीय कंकाल की मैं बात करूं तो उपांगीय कंकाल का निर्माण करता है अग्रपाद, इसके अलावा पश्चपाद, इसके अलावा कंधा या अंश जिसको कहते हैं, और एक है श्रोणी मेखला। ध्यान रखिएगा ये जो हम देख रहे हैं इस समय बोर्ड पर, ये भाग तो हमारे शरीर का तना बनाते हैं, ये भाग तो शरीर का तना बनाते हैं मतलब मुख्य अक्ष बनाते हैं, और ये उपअंग बनाते हैं। इनमें संख्या की अगर बात करें हम हड्डियों की, तो सिर भाग में हड्डियों की संख्या है 29। कुछ लोगों के दिमाग में 22 आ रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में 8 भी आ रहा होगा। वेट करो, 29 क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 22 क्यों नहीं है, आंसर आएगा थोड़ी देर में। कशेरुक दंड में भी बता दो, चलो कशेरुक दंड में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है बताओ जरा जल्दी से मुझे। हाँ मैं वेट कर रहा था तो मैं ही बता दूं, 26। अब कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, गुरुजी हमने तो 33 पढ़ा है, अब वो 33 क्यों पढ़ा है वो भी बताऊंगा, रुको अभी थोड़ा सा वेट करो। पसलियों की संख्या 24 यानी कि 12 जोड़ी ऐसा पढ़ा है, और ये पसलियां जिस हड्डी पर जुड़ती है उसका नाम है ओरोस्टी या स्टर्नम, जो छाती में पाई जाती है, आगे चलकर बात करेंगे। अग्रपाद मतलब हाथ, एक हाथ में 30 तो दो हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60। जितनी अग्रपाद में उतनी ही पश्चपाद में मतलब उतनी ही पैरों में। एक कंधे में हड्डी होती है दो, एक कंधे में हड्डी होती है दो, खोल के दिखाऊंगा अभी, मेरा नहीं डायग्राम में दिखाऊंगा, दो हड्डियां हैं तो दो कंधों में कितनी हो जाएंगी, 4। श्रोणी मेखला कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी राइट, कूल्हे की हड्डी लेफ्ट, दो हो गई श्रोणी मेखला। अब इनको अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल पे आपको नजर आएगा, जिसको यकीन है वो मान लो, जिसको यकीन नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है वो जोड़ लो, हड्डियों की संख्या 206। लेकिन अब चक्कर यह है कि कुछ लोगों ने यहां पर 33 किया, मैं थोड़ा सा एक आपको हल्का सा ही आउटलाइन देता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर 33 कर दूं तो हड्डियों की संख्या शायद बढ़ जाएगी, जैसे मैं 33 करूंगा यहां पर तो मेरे हिसाब से यहां पर 7 हड्डियां बढ़ जाएंगी, 7 मुझे यहां पर जोड़ना पड़ जाएगा, और 7 में जब यहां पर जोड़ूंगा तो क्या होगा, 213 हो जाएंगी हड्डियां, जो कि गलत होगा, यानी कि 33 आंसर सही नहीं है। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में सर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 33 आंसर माना है, स्पीडी में भी है 33 आंसर माना है, या और भी किसी बुक में है, क्या पुराने प्रश्न पत्र में है, तो वो क्यों है, इसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है मेरे भाई, थ्योरी पढ़ो तब जा करके ये चीज़ समझ में आएगी कि 33 कब होता है, 26 कब होता है, या फिर सिर के अंदर 22 कब होता है, 8 कब होता है, और 29 कब होता है। सारे आंसर राइट है लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और कब होगा कैसे होगा उसके लिए हाजिर होते हैं अगली क्लास में, इन 206 हड्डियों के बारे में पूरी जानकारी लेकर के कल नेक्स्ट क्लास में इन 206 हड्डियों को सिर से लेकर पूरी नीचे तक सब कुछ खोल दूंगा, पर हड्डियों के बाद में इन हड्डियों को जोड़ेंगे तोड़ेंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा विशेष निवेदन है बढ़िया ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में, आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं, बीच में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर में राजस्थान जीके नेशनल जीके को लेकर के हाजिर हो रहे हैं मिस्टर एस के सूरा जी, आप थोड़ा सा वेट करें। हाँ अमित बमनावत बाल्यावस्था में, संजीव 4, बमनावत 2, बमनावत 4, सुमेर 26 26 33, ये जो चक्कर है ना कपाल 8, वेरी गुड। ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो आपको मैं कल ही बता पाऊंगा, आज समय कम है थोड़ा सा मेरे पास, और पढ़ते पढ़ते। और ये क्या भैया, ये सुमेर बाद में खा लेना, और ये क्या कह रहा है रे, पूजा क्या कह रही है, पनीर, हाँ तो पनीर क्या बनाइए, पनीर बनाइए पूजा ने, वेरी गुड।
समीर बकरा की बनाई है, वेरी गुड। ये कर रहे हो तुम लोग, ब्लॉक मारो गुरुजी इनको सबको फटाफट से। एक तो ब्लॉक मार दो पूजा को, एक ब्लॉक मार दो इसको, किसको देख लेता हूँ। ये बकरा वाला कहाँ गया, कौन था था? बकरा वाला सुमेर को ब्लॉक मार दो, और पूजा को ब्लॉक मारो। हाँ इनको ब्लॉक मारो सर, इनको फटाफट से ब्लॉक मारो, ब्लॉक मारो इनको। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, भी ब्लॉक मत मारना, मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। पढ़ना चाहते हो या ब्लॉक किया जाए आपको? अमित बमनावत क्लास अभी शुरू होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा देख लूँ कमेंट्स में। हम पढ़ा रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं, और ये लोग पनीर की सब्जी बना रहे होते हैं या बकरे की सब्जी बना रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे एक बार बात कर लूँ, इन दोस्तों से जो इस समय खाना बना रहे हैं। तो पढ़ना चाहते हो? आप पढ़ना चाहते हैं जो पनीर बना रहे हैं, या जो बकरा बना रहे हैं, या कुछ और भी? ये गजबंड छोरा, गजबंड छोरी होती है। अरे छोरा कब से होने लग गया भाई? अब ये जो बिना मतलब फालतू की बातें कर रहे थे अपने आपस में, हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें बताओ आप? आप यस और नो में जवाब दें। पूजा चौधरी, जीके की क्लास लगाएंगे, लेकिन क्या आप पनीर की सब्जी बनाएंगे या जीके पढ़ेंगे? सोनू कुमार गुड मॉर्निंग सर, यही है अभी जीके या पनीर? और सुबेर किधर गया? हाँ ये देख अभी आ गया भूर सिंह मीणा, खाना खा लो, वेरी गुड। अच्छा सुमेर आ गया, तो ब्लॉग नहीं मारे फिर? सोच लो, तो दोबारा इस तरह की बात मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्यों? देखो यार, देख सीधी सी बात है भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पढ़ें। ये पनीर वनीर बाद में बना लेना, खाना वाना खाते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो प्लीज़, है ना? तो अभी एस के सूरा जी बस आ ही चुके हैं क्लास में, कुछ ही सेकंड में एस के सूरा जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो आप ये बीच में पनीर वनीर मत बनाना यार, सॉरी, है ना, प्लीज़, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। पर पढ़ाने टीचर का क्या, टीचर अगर देख भी लेता ना बीच में कमेंट, उसका पढ़ाने का मूड ऑफ हो जाता है, क्या बताऊँ। फिर तुम कहते हो यार गुरुजी पढ़ाते नहीं हो, रेगुलर नहीं आते हो, रेगुलर आके क्या करें, पनीर खाएंगे हम यहाँ, बकरा खाएंगे हम, बताओ। फ़ोन नंबर है हमारे, बुला लिया करो, घर बुलाया करो ना, डायरेक्ट मैसेज किया करो, फ़ोन नंबर तुमको सबको दे रखा है। हाँ ऑनलाइन की कोई फीस नहीं है भैया, फ्री पढ़ते हैं संजीव, है ना? श्री शीश राम मीणा गुड मॉर्निंग भैया नमस्कार। तो ऑनलाइन क्लास की कोई फीस नहीं है, पढ़ो आप भाई, हम इसीलिए तो लाए ताकि लॉकडाउन में आप लोग पढ़ सकें। तो अगर खाना खा रहे हो या खिला रहे हो तो मुझे इनवाइट करो, भूख लगना शुरू हो चुकी है, 10 बज चुके हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। तो फ़ोन करो मुझे, व्हाट्सएप करो मुझे, है ना? तो इसमें नहीं, लेकिन जो आप पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या, फिर कोई दौर भी अपने साथ जुड़ा हुआ है ना भाई, पूरी दुनिया देख रही है, अच्छा लगता है कि इनके स्टूडेंट कैसे हैं, है ना? और ऐप पर पूरे नंबर सिस्टम मिल जाएगा, ऐप पर, ऐप पर राजधानी ऐप पर पूरा नंबर सिस्टम अपलोड हो गया है। और साइंस में पूरी साइटोलॉजी है, जो कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, स्केलेटन स्टार्ट कर दिया है, अब जूलॉजी के टॉपिक आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐप पर पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, तैयारी करनी, क्योंकि ये तो वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐप का वीडियो पूरी साल आपके पास रहेगा, ऑडियो आपके साथ पूरी साल रहेगा, और उस सबके बाद में PDF स्टडी मटेरियल जो है वो पूरी साल आपके पास रहेगा, मतलब, और हर चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाएगा आपको, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए या आने की संभावना रखने वाले वो पूरे कराए जाएंगे। पर प्लीज़ ये जो आप चैटबॉक्स में और ये लिखते हैं ना, ये क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या राम राम, क्या हलो, क्या सलो, आपस में जो वो मत किया करो प्लीज़, क्योंकि ऐसा होने पर आगे आपको रिमूव किया जा सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं आप थोड़ा सा इसका बेनिफिट लें, ठीक है दोस्तों? तो अब पहले सूरज जी से बात कर लो, उसके बाद में मनमोहन जी से बात कर लेना।
अच्छा मनमोहन जी से बात कर लो एक मिनट। हाँ मैंने तो वैसे आपको पढ़ा दिया था और सर का इंतजार कर रहे थे योगेंद्र जी का जिन्होंने पढ़ा दिया। मैं ये सूचना देने आया था एप्लीकेशन पर, कल मैंने शाम को नंबर सिस्टम के सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो जो पेड बैच के विद्यार्थी हैं ना उनको उसमें वो मिलेंगे। आपका स्टोर में नहीं डाले मैंने वीडियो, स्टोर में बाद में डल जाएंगे एक दो दिन बाद में, पहले उसमें दूसरी जगह डाले जहाँ पे आप बेच देखते हो ना वहाँ पे आप देख लेना अनाउंसमेंट के जस्ट आगे, तो वीडियोज के अंदर पूरे डाल दिए। और एलसीएम के कल से स्टार्ट कर दूंगा, और एवरेज का पता है ना आपको, एवरेज जो पढ़ रहे हैं उनका तो मैंने स्टोर में डाल दिया था। और भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर लिया करो, डायरेक्टली स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर मैं आपसे बात करूँगा, और कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ऐसे लड़ते रहते हैं, आपको कर लिया करो आप तो थोड़ी थोड़ी बातें। राम राम दोस्तों, काफ़ी दिनों से मिले आज, राजधानी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना महामारी की वजह से कोचिंग की तो शायद साल भर बंद रहेगी, अब अपने को ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, और जितना हो सके उतना अपने को इस पढ़ाई का आनंद लेना है, क्योंकि वैकेंसियाँ भी आ चुकी है। जैसे जुलाई के अंदर है राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है, सितंबर में रीट की हो चुकी है, 500 पदों की और वैकेंसी माननीय अशोक जी गहलोत ने निकाला है होमगार्ड की, जिसकी 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसका लाभ लेंगे। आरटी पास मात्र दोस्तों। मैं भी काफ़ी दिनों से गांव था, सर ने फ़ोन किया कि सर आप भी आओ, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जीके क्लास नहीं लग रही, चलो ठीक है, तो फिर भी कोरोना महामारी का प्रभाव जयपुर में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दिना दिन मरीज बढ़ रहे हैं। मैं कमेंट सभी के एक साथ पढ़ूंगा, बाकी मैं जीके क्लास लूँगा भी, और यही मेरा अपिक्स टाइम रहेगा दोस्तों। मैं कहता हूँ कि जीके का कोई अंत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि जीके पढ़ने का क्या तरीका होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे आने वाले की संभावना है, ये कैसे अनुमान लगाया जाएगा। ये अनुमान लगाया जाता है जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए उसी के आधार पर एग्जाम लगाए जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक स्टोरी के टूप में आपको राजस्थान की जीके क्लास ले रहा हूँ, सभी भाई बहनों को, अब कमेंट तो मैं देख नहीं पाऊँगा थोड़ा, कि मेरा अभी मैं सुबह आया था गाँव से तो मोबाइल डिस्चार्ज हो रखा है, और जीएसटी आता ही क्लास मिल गई, सही समय पर आया, वो कहावत होती है ना सोने पे सुहागन, विकास मीना राम राम भाई, कालूराज राम राम भाई, सभी भाई बहनों को एक साथ ही बोल देता हूँ, सभी भाई बहनों को मेरा राम राम साहब। अब देखो राजस्थान जीके की अपन क्लास करते हैं, जैसे ये मान के चलो रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर का किला सवाईमाधोपुर में स्थित है, और यहां पर है शासन चलाता चौहान वंश का। मैं ओनली एक स्टोरी के टूप में पढ़ाऊंगा आज आपको, और आपको देखूंगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, आप लोगों को पता चलेगा, जैसे टेस्ट पेपर देते हैं उसी के अनुसार मैं जैसे क्वेश्चन करता रहूंगा आप कमेंट में आंसर देते रहिए। ठीक है, मैं कमेंट चालू कर देता हूँ जैसा भी है। हाँ राम राम दोस्तों, भाई संजय राम राम भाई, पूजा राम राम, कालूराज राम राम भाई। जैसे रणथंबोर था, रणथंबोर में चौहान वंश चलाता, सबको पता है कि रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, कमेंट में आंसर देकर बताइए दोस्तों, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फिर आप गूगल पे देख लोगे, रणथंबोर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गोविंद राय ने। गोविंद राय कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, उसने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। और यहाँ पर एक धुरंधर वीर योद्धा राणा हमीरदेव राज किया था,
राणा अमीरदेव ने यहाँ राज किया, और राणा अमीरदेव का कार्यकाल की बात करते कि उसने कितने वर्ष राज किया, तो उनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों राणा अमीरदेव का, बारह सौ बयासी से लेकर 1301 तक राणा अमीरदेव का कार्यकाल रहा था। इसके बीच में उसने ऐसा क्या किया, आज राणा अमीरदेव आज राणा अमीरदेव किसके लिए प्रसिद्ध हो गए, केवल केवल हट के लिए। इसके बारे में एक कहावत कहा जाता है, सिंह समन सतपुरुष वचन कदमी फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े हमीर हट करे तो उतरे ना दूजी बार। सिंह समन सतपुरुष वचन कदमी फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े हमीर हट करे तो उतरे ना दूजी बार। इसके लिए कहावत हो गया था। इसने ऐसा क्या काम किया, यानी राणा अमीरदेव ने केवल 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 इंपॉर्टेंट चीज बात आती है तो ये क्या किया था, युद्धों के साथ जाना जाता है। इसने बहुत अच्छा शानदार काम किया था, और उस समय दिल्ली का शासक था दोस्तों, उस समय दिल्ली का शासक था राणा अमीरदेव के समकालीन। पूछा जाता है कई बार कंपिटिशन एग्जाम में पूछ लिया गया कि राणा अमीरदेव के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन थे। अब ऑप्शन में जैसे कि मान के चलो तीन चार ऑप्शन दे दे, मैं बोलता हूँ पहला, जैसे पहला ऑप्शन रह जाता है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा रह जाता है जलालुद्दीन खिलजी, दो हो गए, तीसरा रहता है दोस्तों सैयद लोदी, और चौथा होता है पश्तवस सेकंड। तो दोस्तों पश्तवस सेकंड दोनों आएंगे, चौथा आंसर सही हुआ, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में, और उसके बाद में 1296 में राज किया था अलाउद्दीन खिलजी। खासकर कहावत होता है बहुत शानदार, अगर राणा अमीरदेव जैसे योद्धा होते तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अपने हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम सत्ता अधिकार नहीं कर सकती थी। इस प्रकार का ये शासक हुआ करते थे राणा अमीरदेव। स्वयं माधोपुर में एक छोटा सा गढ़ है जिसे जैसे ये गढ़ है, इस गढ़ का नाम है दोस्तों रणथंभौर का किला। अब रणथंभौर का किला कौन से जिले में स्थित है, यह भी पूछा गया एग्जाम में है, बीएसटीसी में गत वर्ष पूछा गया था रणथंभौर का किला कहां स्थित है। अब रणथंभौर का जो किला है ना, रणथंभौर का किला दोस्तों, इस किले को अपन क्या कह सकते हैं, गढ़ भी कह सकते हैं, यानी गढ़ और किला दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ये कहां पर स्थित है, ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है। अब देखो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिले को किसने बसाया, सवाई माधोपुर जिले को किसने बसाया, सवाई माधोपुर जो जिला है जयपुर का शासक था माधो सिंह, उसने सवाई माधोपुर नगर बसाया था, और यहां पर रणथंभौर का किला था, और इस किले में कौन सा वंश ला, वंश की बात करें तो चौहान वंश। चौहान वंश चला यहां पर, और यहां का शासक था राणा अमीरदेव। और यहां पर एक अपन छोटा सा और बना लेते रियासत, ये दिल्ली की। अब दिल्ली तो होती है दिल वालों की, जैसे दिल्ली होती है दिल वालों की। बात करते हैं कि दिल्ली में जैसे खिलजी वंश चला था, अब बात करते हैं दिल्ली में खिलजी वंश ला, दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। सेकंड ग्रेड में एग्जाम पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलजी वंश का प्रथम आक्रमण राजस्थान में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रहना चाहिए कि खिलजी वंश का
पर राजस्थान में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था, तो रणथंबोर पर हुआ था। कब हुआ था ये डेट अकॉर्डिंग पूछा जाता, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कब हुआ था। बारह मई 1290 को किया था। अच्छी बात है। अब मैं कमेंट में आपके आंसर देखता हूँ। कौन बताएगा कि खिलजी वंश का दूसरा आक्रमण राजस्थान के अंदर रणथंबोर पर ही हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था? जल्दी से आप कमेंट में आंसर देकर बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट में आंसर देकर आप बताइए। अमित जी आपने आंसर दिया 1301। कमेंट में आंसर दो जल्दी से। खिलजी वंश का राजस्थान पर दूसरा आक्रमण रणथंबोर पर कब हुआ? दोस्तों याद रहना चाहिए कि पहला 12 मई 1290 को हुआ था, तो दूसरा हुआ था 1291 ईस्वी को। और यह है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हे राणा अमीरदेव, ऐसे 10 किले में मुसलमान के इकबाल के समान समझता हूं, यह कथन इसी आक्रमण में किया गया था। 1291 ईस्वी में जो आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और राणा अमीरदेव की तैयारी देखकर यह कहा था कि हे राणा अमीरदेव, ऐसे 10 किले में मुसलमान के इकबाल के समान समझता हूं, यह कथन कहा था। 1301 बिल्कुल, हां 1301 है, यह मैं कमेंट में आंसर दिए हुए हैं अमित जी ने, इसका बताता हूं मैं कि अमित जी इसका ऐसा होता 1301 का कि 1301 में आक्रमण हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, वो तीसरा आक्रमण था खिलजी वंश का। और आज जो राणा अमीरदेव था उस समय वो धैर्य प्रतीक के माने जाते हैं, ऐसे वीर योद्धा होते, शरणार्थली होते, कावत होती है ना कि सिंह सवन सत पुरुष वचन, कदमी फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े हमीर हट करे तो उतरे ना दूजी बार। इसी प्रकार के योद्धा हुआ करते थे। तो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी खिलजी वंश का राजस्थान में पहला आक्रमण 12 मई 1290 में हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, शासक था राणा अमीरदेव, यह आक्रमण असफल रहा था। दूसरा आक्रमण किया था 1291 ईस्वी ने, याद रखना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था इसी आक्रमण में, यह कहा था राणा अमीरदेव, ऐसे 10 किले में मुसलमान के इकबाल के समान समझता हूं दोस्तों, यह कथन कहा था इसने। ये कथन कहने के बाद यहां पर दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का राजा बनता है। और राजा बनने के बाद में इसके पास में काफी सारी समस्याएं थी, जैसे 1296, 1297, 1298, 1299, लगातार 4 साल तो अलाउद्दीन खिलजी मंगोलिया आक्रमणों में फंस चुके थे। और उसके बाद में इसने राजस्थान, ये भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली के निकट कौन सा किला है, तो रणथंबोर का किला है। अब यहां का शासक था रणथंबोर का, ये साफ कर देता हूं मैं एक बारी, और ये डायग्राम इधर बना देता हूं, और फिर आपको मैं रणथंबोर का आज पूरा इतिहास पढ़ा दूंगा दोस्तों। अब रणथंबोर की बात करते हैं। रणथंबोर में शासक कर रहा था राणा अमीरदेव। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत से एक बेगम को भगाकर लेकर आया था, उसका नाम था चिमना बेगम। अब चिमना बेगम को भगाकर लेकर आया था, अब ये तो होता ना, चिमना ने मोहब्बत कर ली किससे? आदिल मोहम्मद शाह से। अलाउद्दीन खिलजी काफी समझाया कि आदिल मोहम्मद शाह इसको छोड़ दे, किसी और रानी से तुम मोहब्बत कर ले, लेकिन आदिल मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं मेरे वसूलों से बगावत नहीं करता, और जब मेरा दिल इस चिमना पे आ गया तो मैं किसी और पे क्यों मरता, ये कथन हुआ। काफ़ी समझाया, नहीं समझा, अलाउद्दीन खिलजी सोचा अब तो क्या करें, इन दोनों को ही मार देते हैं। ऐसी इन्होंने योजना बनाई, तो आदिल मोहम्मद शाह और चिमना बेगम दिल्ली से भाग गए, और भाग कर दोस्तों वह कहाँ आ गए, राजस्थान के अंदर रणथंबोर दुर्ग में राणा अमीरदेव के द्वार पर आए। राणा अमीरदेव के द्वार पर आए राणा अमीरदेव
ने कहा कि अगर मैं इनको शरण नहीं दिया तो मैं इतिहास में कायर कहलाऊंगा, मेरे पूर्वज आने वाले मेरे को कायर कहेंगे कि ये दिल्ली के शासकों से डरता था। मैं क्यों डरूं, मैं उनसे दो बार तो पहले हरा चुका हूं उनको, पूर्वजों को। यानी कि एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी था जिसका ससुर बोले चाहे चाचा, चाचा भी लगता था और ससुर भी लगता था, जलालुद्दीन खिलजी उसको पराजित कर चुका था। तो इसी के अकॉर्डिंग से बात करते हैं, तो उसने सोचा चलो तुम यहां मेरे दुर्ग में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाए। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि चिमना बेगम और आदिल मोहम्मद शाह और चिमना बेगम दोनों ही रणथंभौर में शरण। इस बात का पता चलते अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को आक्रमण करने रणथंभौर दुर्ग पर भेजा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि उसके सेनापति, अब सेनापति काफी थे, लेकिन ये याद रहना चाहिए था आपको कि सेनापति कौन थे। बात ये रहेगी, कमेंट में आंसर देकर बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजस्थान पर आक्रमण किया था तब उसका पहला सेनापति बनकर कौन आया था और पराजित का मुंह देखना पड़ा था उसको, लेकिन उसने छलकपट से रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहलाई जाती है जैन दुर्ग, उस पर अपना अधिकार किया था। हमीर क्यों आ रहा, कमेंट में आंसर दिया भाइयों ने, अभी अपन स्टोरी चालू किए हैं, क्यों आ रहा इसका अपन निकालेंगे कि ऐसा क्या कारण था। कमेंट में आंसर अभी तक आपने अमित जी ने गलत दिया है, तो याद रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी और सेना ने जैन दुर्ग पर जाकर अपना अधिकार कर लिया। जैन दुर्ग पर अपना अधिकार, राणा अमरदेव ने भी अपनी सेनापति भेजे थे धर्म सिंह और भीम सिंह, लेकिन दोस्तों यहां से धर्म सिंह और भीम सिंह पराजित हो गए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने वापस उसी 1301 में ही अब खुद अपनी दिल्ली से सेना लेकर आया और राणा अमरदेव को कहा कि आप मेरे भगोड़े उसे कहा जाता दोस्तों जो किसी के दरबार में से भाग कर आ जाते हैं, तो इसके भगोड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये याद रखना जरूरी है, आदिल मोहम्मद शाह और चिमना बेगम, इन दोनों को छोड़ दो, मैं यहाँ आक्रमण नहीं करूँगा। राणा अमरदेव ने कहा था कि मैं इनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको 3 चीज बदलनी है इतिहास के अंदर। पहली चीज थी सिंह सवन, यानी कि जो आदमी रहता, जैसे सिंह सवन, सिंह यानी होता दोस्तों शेर, जो शेर जंगल में रहता वो शेर ही कहलाता, आप उसको चूहा कहकर बताओ, सिंह सवन। सतपुरुष वचन, कोई भी सप्त ऋषि एक बार वचन दे दिया तो वो वचन नहीं निभाया हुआ, सिंह सवन सतपुरुष वचन। कदमी फले एक बार, यानी कि ये दोनों चीज एक बार होती है। और तिरिया तेल चढ़े, किसी कुंवारी कन्या के एक बार तेल चढ़ा दिया जाता है उसको कुंवारी रख दी जाती। इन 3 चीजों को इतिहास में आप बदल दो, मैं आपके भगोड़े आदिल मोहम्मद सर चिमना बेगम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तभी राणा अमरदेव कि ऐसा तो आज तक कभी इतिहास में हुआ नहीं है, और इसी के साथ ही वो युद्ध करने की पूरी तैयारी हो गई थी। तभी राणा अमरदेव के सेनापति, और उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड ग्रेड के अंदर, पूछा गया था 2013 के अंदर कि राणा अमरदेव के विश्वासघाती कौन कहलाए। जो आदमी सबसे विश्वास करता था, राजा हमेशा अपना सेनापति पर विश्वास करता था, भाई अभी ऐसा लड़ना है, ये करना है, ये वो करना है, कैसे योजना बनानी है, सब उसको पता थी। लेकिन उसने क्या किया, चालाकी से राणा अमरदेव ने जो योजना बना रखी थी उसका सेनापति ने भेद खोल दिया। तो इसके सेनापति का ऑप्शन ज्यादा आता है कि सेनापति, कई लोगों को याद रह जाता है कि धर्म सिंह भीम सिंह ही है, नहीं, रणमल रत्तीपाल भी इसका सेनापति है दोस्तों। रणमल रत्तीपाल भी राणा अमरदेव का सेनापति था और उसी ने विश्वासघात किया था, उसने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए थे। रात्रि के समय में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना से दुर्ग के अंदर प्रवेश हुआ। अभी जो रणमल रत्तीपाल था वह अपनी पत्नी को जाकर कहा था कि तू कल से रानी है और मैं कल से रणथंभौर का राजा हूँ। कि यह कैसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे को ऑफर दिया है कि रणमल रत्तीपाल, अगर आप राणा अमरदेव को मार दोगे तो हम आपको रणथंभौर का राजा बना देंगे। तो बोला मैं उसको मार तो नहीं सकता,
तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मार नहीं सकते तो ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन आप तो कम से कम है जो दुर्ग का गेट है, अरे राजस्थान में कहा जाता ना मारवाड़ी में कुंवाड़, कुंवाड़ गेट खोल दो, हम उनमें से रात्रि में प्रवेश हो जाएंगे, और जब इसे रात के अंदर दुर्ग के अंदर चले जाएंगे और राणा अमीरदेव सोता रहेगा और सोते पर वार कर देंगे। अब वो सारी बात रणमल रतिपाल की जो पत्नी थी, रणमल और रतिपाल की ने सारी जो पत्नी थी उसने राणा अमीरदेव को बताया। राणा अमीरदेव तब तक तलवार उठाए तब तक खिलजी सेना अंदर थी। कहावत होता है कि देखो दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही शानदार कहावत लिखा हुआ है कि जब तक मस्तक पर राणा तेरा सिर रहेगा, जब तक मस्तक पर राणा तेरा सिर रहेगा, कुछ भी तेरा खिलजी नहीं कर पाएगा। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी और राणा यूं ही लड़ता हुआ जीत कर जाएगा। अमर होगी ये कहानी, शीश करता है भवानी। क्या शानदार यहां पर दोहा लिखा गया था। इसी प्रकार से देखकर राणा अमीरदेव तलवार लेकर आक्रमण कर दिया खिलजी सेना पर। खिलजी सेना पर आक्रमण किया तो उस समय राणा अमीरदेव की अपनी पत्नी रंगा देवी, दोस्तों इसका नाम याद रख लेना, मैं याद कर देता हूं, रंगा देवी इंपोर्टेंट चीज है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रंगा देवी ये कौन है, इसके बारे में अपने जानेंगे रंगा देवी के बारे में भी। राणा अमीरदेव की पत्नी रंगा देवी को बोल के था, अगर मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, अगर मैं लाल झंडी खड़ी कर दूं तो तेरे को केसरिया कर लेना है, अगर मैं हरी झंडी खड़ी कर दूं तो आपको केसरिया नहीं करना है, तेरा सुहाग राणा जीत गया है, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का ये पानी। यह योद्धा वीर कहता सुनाई जाती है, यह मस्तक वाली एक वीर कथा है। अपने हट के लिए प्रसिद्ध हो गया राणा अमीरदेव। अब रंगा देवी ने जैसे ही राणा अमीरदेव देरिये रजपूती रो जाइयो, कहावत होता है राणा अमीरदेव के बारे में दोस्तों, राणा अमीरदेव की, हूं रजपूती रो जाइयो, रजपूती करज झुकाऊंगा, अरे खिलजी तेरे सामने नहीं झुकाऊं पाक, तू देखेगो केसरिया तलवारों का पानी। ये दोहा बोलते ही राणा अमीरदेव रणभूमि में कूद पड़ा, और जैसे राणा अमीरदेव ने तलवार भवानी की जय जयकार लगाई तो खिलजी सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। जय भवानी के नारे गूंजने उठने लगे और खिलजी देखा यह है केसरिया तलवारों का पानी, जान बचाकर दिल्ली भाग्य, यह है वीर दोरांग की कहानी। ऐसे देखते ही राणा अमीरदेव का जून उठने लगा और इसे वापस अपने रजपूतों का काया कि रजपूतों की रगों में खून होता है पानी नहीं, और यह अपनी मर्यादा बहन है, यह कहलाए क्षत्रिय, इसे कहते हैं हम जय भवानी का नारा। इसी का रस को लेकर राणा अमीरदेव, तब अचानक रणमल रतिपाल ने यहां किया बड़ा ही विश्वासघाती, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का दोस्त का साथी, जो जिसने राणा अमीरदेव जीतता जीत गया, लेकिन रणमल रतिपाल ने वहां पर झंडी कर दी लाल रंग की हरी परियारी। तो रंगा देवी ने सोचा अपने सुहाग है राणा, में मान नहीं पाती थी कि तू इस युद्ध में कायर की तरह तू हार जाएगा, लेकिन तूने तो देरी कहता सुना दी ये बलिदानी की कि तू कैसे हार गया, वो माने नहीं लेकिन वो तो संकेत का इशारा था। तब रंगा देवी ने दोस्तों उसी समय पानी का एक कुंड था जिसके अंदर कूद कर आत्महत्या कर ली थी। तब राणा अमीरदेव ने देखा कि यह झंडी किसने कर दी लाल रंग की पहनानी, या तो खूनों की नदियां बहना ही राणा अमीरदेव की वाली, ये थी केसरिया तलवारों का पानी, ये वीर कथा सुनाता हूं राणा अमीरदेव का धैर्य वाली। इसी के साथ राणा अमीरदेव ने सोचा कि इस सेना से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहली मेरी मोहब्बता जान को तो मैं बचा लाऊं, ये है मेरी परत वाले। कमेंट में आंसर देकर आप बताइए कि यहां पर जो जल जोवर हुआ था, जल जोवर राजस्थान का एकमात्र जल जोवर रणथंबोर दुर्ग में हुआ था 1301 में हुआ था, किसने किया था ये कमेंट में आंसर देकर आप बताइए, तभी मैं आगे स्टोरी बताऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रुका रहूंगा। कमेंट में आंसर देकर बताओ आप कि 1301 में जल जोवर किसने किया था। दोस्तों कमेंट में आंसर देकर बताओगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पर कहानी अपनी समापन करूंगा। 1301 में राजस्थान का जल जोर हुआ था दोस्तों,
रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, किसने किया था? ये कमेंट में आंसर देकर बताओ। समझने के लिए ही सारा बड़ा कॉपी होता है। अरे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, रंगा देवी। अमित जी ने बहुत ही शानदार आंसर दिया। अमित ने वाक्य में पद्मला, बिल्कुल पद्मला इसकी पुत्री भी थी दोस्तों, और उसी तालाब का नाम है पद्मला तालाब, जिसे कुंड भी कहा जाता है और तालाब भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई तो भीलवाड़ा में होती है। धर्मराज मीणा गुड मॉर्निंग। रंगा देवी बिल्कुल। देवेंद्र कुमार, कोमल सिंह गुड मॉर्निंग। अब आगे देखते हैं और कहानी अपन शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ, राणा अमीरदेव की और धैर्य वेर कहानी होती थी, वीर रणभूमि में इसको इतिहास कहा जाता है। देखो क्या इसकी कहानी वीरांगनी हुई थी दोस्तों। लाइक नहीं तो लाइफ क्यों ये ऐसी कहानी, ये वीर धैर्य है राणाओं की बहानी। जय भवानी जय क्षेत्राणी, ये ऐसा होया करते वीर योद्धा राणा अमीरदेव की मरयानी। जब राणा अमीरदेव अपनी पत्नी रंगा देवी को बचाने गया, राणा अमीरदेव अपनी पत्नी को बचाने गया था तो गेट जुड़े हुए थे, तब अपने घोड़े को ही दीवार कुदाई। तो आज भी रणथंभौर की दुर्ग दोस्तों याद रहना चाहिए, पहला पोल आता गणेश पोल पर भी आज भी राणा अमीरदेव के घोड़े के निशान है। तब तक राणा अमीरदेव पूछा, तब तक रंगा देवी और उसकी पुत्री पद्मला ने जल जौहर कर लिया था, वो नहीं बची थी। चिमना ने भी जौहर किया था दोस्तों, याद रहना चाहिए इस कहानी। यह है अमर भवानी। इसी के साथ अपन आगे शुरुआत करते हैं राणा अमीरदेव की। राणा अमीरदेव तब अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो वापस उसकी ओर खून गर्म हुआ क्षेत्राणी का, क्योंकि जो क्षेत्रीय होते थे रणभूमि की रक्षा करते, अपने प्राणों की बाजी नहीं किया करते थे ये वीर योद्धा। इसके बारे में दोहा कहा गया है राणा अमीरदेव के बारे में कि राणा जब तक तेरे ऊपर शीश रहेगा त्रिनेत्र का, राणा जब तक तेरे ऊपर शीश रहेगा त्रिनेत्र का, खिलजी क्या कोई नहीं देख पाएगा तेरा साहसी, तू तो एक बलिदानी है योद्धा महारानी का। इसी के साथ राणा अमीरदेव वापस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर वार करने लगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि राणा अमीरदेव ने ही अलाउद्दीन खिलजी के सीधे वार किया, जिसमें चारों तरफ सेनाओं ने घेर लिया। राणा अमीरदेव लड़ता हुआ वीर गति के अंदर शहीद हो गया, लेकिन आज उसको हट के लिए जाना जाता है। राणा अमीरदेव को दोस्तों हट के लिए जाना जाता है, हट के लिए, ये याद रखना चाहिए दोस्तों। राणा अमीरदेव लड़ता हुआ वीर गति के अंदर शहीद हो गया। शहीद होने के बाद में याद रहना चाहिए राजस्थान का पहला सांका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। सांका क्या चीज होती है यह भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा युद्ध जिसमें राजा केसरिया वस्त्र पहनकर लड़ते हुए रणभूमि में मर जाए तो वो कहलाता अर्ध सांका। और जब भी उसी समय राणियां जौहर कर ले, चाहे तो वह पानी में कूद कर ले, चाहे वह अग्नि में कूद कर ले, तो दोस्तों ये भी याद रहना जरूरी है। जब सांका भी हो जाए जोर भी हो जाए और अर्ध सांका भी हो जाए तो वो कहलाता है सांका। इसी प्रकार से लेकर ये राजस्थान का एकमात्र जल जोवर 1301 में रणथंभौर दुर्ग में रंगा देवी और उसकी पुत्री पद्मा ने किया था, याद रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार। अब बात करते राणा अमीरदेव की, ये अपने को सारी जानकारी मिलती है हमीर हट ग्रंथ से, हमीर रासो से, हमीर महाकाव्य से। हमीर हट ग्रंथ की रचना की थी चंद्रशेखर ने, हमीर रासो की रचना की थी जोधराज ने, और हमीर महाकाव्य की रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने दोस्तों। इन्हीं ग्रंथों से हमें राणा अमीरदेव के बारे में जानकारी मिलती है। अब रणथंभौर का कुछ बाकी इतिहास नहीं बचा हुआ है। अब रणथंभौर में बात करते हैं साहब कि यहाँ पर क्या है कि राणा अमीरदेव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में रणथंभौर के अंदर एक छतरी बनाई थी, जो बहुत तगड़ी छतरी है। वैसे रणथंभौर में इंपॉर्टेंट दो छतरियां हैं, एक तो एक खंबे की छतरी जिसे कुत्ता की छतरी कहा जाती है,
और एक राणा अमीरदेव ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर खंभों की छतरी बनाई। और वो कितने खंभों की, कमेंट में आंसर देकर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कितने खंभों की, रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी है, कमेंट में आंसर देकर बताओ, कमेंट में आंसर देकर बताओ दोस्तों। अमित जी हाँ, पूजा चौधरी बिल्कुल राइट आंसर है, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अमित जी ने बताया, संजय जी ने बताया 32 खंभों की छतरी है। गंगापुर का टॉप स्टूडेंट 84 खंभों की, बिल्कुल आंसर 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी में स्थित है। गंगापुर के टॉप स्टूडेंट अपनी इस गलती को सुधार करें कि 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। गंगापुर के टॉप स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। हाँ, गंगापुर का टॉप स्टूडेंट एक खंभों की छतरी भी है और 32 का, लेकिन राणा अमीरदेव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी दोस्तों। आंसर यह था 32 खंभों की। क्यों बनाई 32 खंभों की, क्या कारण था? क्योंकि जेतर सिंह ने 32 वर्ष ही राज किया था, इसी कारण उसने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। एक खंभों की छतरी जिसे कुत्ता की छतरी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, यह आंसर कौन देंगे, फटाफट कमेंट में आंसर देकर बताना है कि एक खंभा की छतरी कहां स्थित है। ऑप्शन देता हूं मैं दोस्तों, मंडोर, जोधपुर, करौली, इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर है एक खंभे की छतरी कहां स्थित है, कमेंट में आंसर देना, एक खंभे की छतरी कहां स्थित है, एक खंभे की छतरी कहां स्थित है। पहला आंसर है मंडोर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है करौली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आप आंसर दोगे तभी आगे बढ़ेंगे। गंगापुर के टॉप स्टूडेंट ने बताया स्वयं माधुपुर, बिल्कुल ऑप्शन में तो स्वयं माधुपुर है ही नहीं, तो वह तो वैसे आंसर गलत है, यानी कि वो तो आंसर ही नहीं दे रखा है ना। चार आंसर देखा, चारों में से एक आंसर है, पहला मंडोर, दूसरा जोधपुर, तीसरा करौली और चौथा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल संजय ने बताया कोई नहीं। अरे यहां पर दिमाग पर जोर लगाओ, कहता हूं जीके का अंत नहीं, जीके को ध्यान से पढ़ो आप। एक खंभे की छतरी जोधपुर में स्थित है, जिसे जसवंत तड़ा कहा जाता है, वो भी एक खंभे पर ही चुना गया है दोस्तों। तो आंसर आए उस पर ध्यान रखना, किस एस के सूरा ने तो बताया था एक खंबे की छतरी स्वयं माधुपुर के अंदर स्थित है। अरे एक खंबे की छतरी आल राजस्थान में दो जगह है, एक तो जसवंतड़ा और एक रणथंभौर दुर्ग। जब रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन में नहीं आए तो अपने को जोधपुर करना है, तब अपने को जोधपुर करना है। तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा, एक खंबे की छतरी कहां स्थित है, पहला आंसर है मंडोर, दूसरा जोधपुर, तीसरा करौली और चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जोधपुर रहेगा, क्योंकि जसवंतड़ा भी एक खंबे पर चुना गया था। ये राणा अमीरदेव का अपना इतिहास पूरा होता है दोस्तों। रेगुलर मेरी 10 बजे से क्लास होगी, राजस्थान जीके की होगी और पूरी स्टोरी होगी, और राजधानी कोचिंग क्लासेस ने जो ऐप किया है उस पर भी मेरी स्टोरी, केवल केवल स्टोरी की ही होगी। पूरा इतिहास आपके सामने स्टोरी के रूप में गाया जाएगा, किस प्रकार ये राणा अमीरदेव का जितना इतिहास था उतने में आपको पढ़ा दिया दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा, इससे अब ये फालतू के क्वेश्चन होते हैं कि राणा अमीरदेव की पत्नियां कितनी थी। अरे पत्नियों का क्या मतलब है, जब उसने एक पत्नी ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, एक पत्नी ने किया रंगा देवी ने, भाई रंगा देवी राजस्थान की एकमात्र वो महिला जिसने जल जौहर किया, तो इसका नाम आ गया। राजा की तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, इंसान होता है हर आदमी लव करता है एक तरह से, मैं पढ़ाता हूं 1800 की क्रांति में कहता हूं, तो इसमें क्या होता है कोई पता नहीं। कोई भी जो शासक होता है केवल उसका क्वेश्चन बनता है, तो क्या बनता है दोस्तों, एक तो शासक कहाँ युद्ध किया, इसके बारे में कौन से ग्रंथों से जानकारी मिलती है, इसके दरबार में कौन विद्वान था, इसने कहाँ युद्ध लड़ा, यही। अब ये फालतू के क्वेश्चन करते हैं कि उसकी पत्नियां कितनी थी। अरे पत्नियों से क्या काम तेरे को, अपन लेंगे थोड़ी, और किसी की पत्नी होगी तो अपन दे थोड़ी देगा कोई, ये फालतू चीजें होती है। कोई बहुत बता दे, राणा अमीरदेव पढ़ा रहे हैं, अब आप रणथंभौर का पढ़ा रहे हैं, और कोई
अपन तो गीत तो गा रहे हैं किसके, दीपावली के, और कोई पता नहीं सूता उठेगा और मेवाड़ में से क्वेश्चन पूछेगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। अरे भाई वो धीरे सिड्डी भाई।